आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों सज्जनों, हम लोग राइट नाउ सितंबर 2023 की मैगजीन कवर कर रहे हैं। ये सितंबर मंथ की फोर्थ वीडियो है, ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले तीन पार्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, अभी हम लोग लास्ट पार्ट में साइंस एंड टेक और हमारा कल्चर सेक्शन, बस ये दो बच्चे हुए हैं इनको कवर करेंगे। तो जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी है मैंने टेलीग्राम पर ये हाईलाइटेड PDF भी अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल से सेव भी कर सकते हो। हाईलाइटेड PDF का बेनिफिट ये होगा कि जब आप रिवाइज़ करने की कोशिश करोगे तो आप क्विकली इसको रिवाइज़ कर पाओगे, सिर्फ जो अंडरलाइन पार्ट है ना, जस्ट गो थ्रू दैट वन। साइंस एंड टेक का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे 7.1 में आदित्य L1 के बारे में। तो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन, ओके हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसमें। आदित्य तो है, अगर आप लोगों ने हिंदी स्कूल टाइम में पढ़ी आपको याद होगा हम लोग सब पर्यायवाची शब्द देखते थे, तो सूर्य सूरज उसका एक जो पर्यायवाची होता है ना इंग्लिश में जिसे हम सिनोनिम बोलते हैं, तो वो आदित्य होता है। और जैसे हमारा हमारे जो मिशंस गए हैं स्पेस के हम लोगों ने उनके नाम हिंदी में दिए हैं, जैसे अभी हम लोग जो स्पेस में ह्यूमन बींग जाएगा उसका हम लोगों ने गगनयान दिया है, एंड मून पर जो गया उसका चंद्रयान है, ऐसे ही हमारा जो सूरज पर जाएगा उसका हम लोगों ने नाम दिया है आदित्य L1। तो हम लोग देखते हैं कैसे वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। इसमें ये जो L1 होता है ये लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो पहले जरा आदित्य L1 के बारे में एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। आपको सन के बारे में मालूम है, लेयर ऑफ द सन, ठीक है, जैसे हमारे अर्थ के अंदर भी हम लोग ज्योग्राफी में लेयर्स ऑफ द अर्थ स्टडी करते हैं ना, ऐसे सन के भी अपने अपने कुछ लेयर्स होते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरी लेयर ऑफ द सन बट जस्ट हैव सम आइडिया कि ये जो आउटर सर्फेस दिख रहा है, अब सन एक्चुअली में ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना ये इसके बाहर का एरिया है, तो दिस इज़ द कोरोना पार्ट, ओके ये आपको दिख जाएगा, दिस इज़ द कोरोना। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। फ्लेयर्स, जैसे अगर आप लोग दिवाली पर आपने कभी बचपन में रॉकेट वगैरह किया होगा ना, आतिशबाजी की होगी, उसमें जो फ्लेयर्स निकलते हैं ना उस तरीके से सन पर भी ऐसे फ्लेयर्स होते हैं, ये कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स से भी होते हैं, ये सन स्पॉट्स होते हैं। दिस इज़ अ फोटोस्फेयर, अब यहाँ पर फोटो का मतलब लाइट से होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो फोटो वर्ड होता है लाइट मतलब होता है। सब सरफेस फ्लोज होते हैं, फिर ये इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कोर होता है ना, उस पर रेडिएटिव जोन कन्वेक्शन जोन ऐसे ऐसे, कोरोनल होल प्रोमिनेंस। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ द सन, आपको बेसिक बेसिक कुछ कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, वो हम लोग कवर करेंगे। अब कोई भी मिशन जा रहा है, अब सन पर कोई मिशन भेजना चाहेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सन के सरफेस को जानने की कोशिश करेंगे बहुत करीब जा करके। अब होता क्या है ना कि सन के जो ये कोरोना होता है ना, दिस कोरोना जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर होता है, इसके कारण ना यहाँ से ना बहुत सारा ना मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा निकलता है। तो इस पर कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हम लोग इसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, CME। ये कोरोना से आउटर एटमॉस्फेयर जो है सन का उसे कोरोना बोलते हैं, वहाँ से कुछ मैग्नेटाइज प्लाज्मा निकलता है। और ये कहाँ जाता है, ये मैग्नेटाइज प्लाज्मा जो होता है आसपास के जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि सन के क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, तो इन पर कुछ कुछ इम्पैक्ट जा रहा होता है, हम लोग उसको अर्थ पे बोलते हैं ना सोलर फ्लेयर, उस तरीके से। अब ये सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, यही सब रेडिएशन का एक इंटेंस बर्स्ट होता है, अर्थ की रेडिएशन, अर्थ पर सन की रेडिएशन आती है बट कभी कभी जो बहुत इंटेंस आती है ना एक वेव की तरीके से, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर, वो जनरली यहाँ सन स्पॉट्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं। तो अगर हम लोग देखें पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ये जो हमारे सोलर फ्लेयर होते हैं ना, ये बड़े ही एक्सप्लोजिव से इवेंट्स होते हैं। तो हमारा जो ये आदित्य L1 जाने वाला है, ये हमारा PSLV C57 में जाएगा, इसका लॉन्च व्हीकल है, एंड
इसको हम लोग L1 में प्लेस करने वाले हैं। हम देखेंगे ये L1 क्या होते हैं, व्हाट इज दिस L1, है ना, L2, L3, L4, L5 ये पोजीशंस हैं सोलर सिस्टम में। अर्थ और सन के दोनों के पूरे उस एरिना के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं जहाँ पर हम लोग अपने स्पेसक्राफ्ट वगैरह को प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पेलोड्स होंगे, रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, कुछ इन सीटू पेलोड्स होते हैं। रिमोट सेंसिंग मतलब ये जैसे कि दूर से स्टडी करेगा, इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। अब क्या वो एग्जैक्टली सन के सरफेस पर कुछ रखेंगे? नहीं, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो उसके वहाँ पर प्लेस कर दिए जाएंगे। इस मिशन में कुछ चीज़ें यूनिक होने वाली हैं, है ना। सो ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट कोरोनल मास इजेक्शंस। अब ऑन बोर्ड मतलब हम लोग डिवाइस के साथ ही भेजने वाले हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो वहीं पर कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेंगे कि अगर हमारा जो सिस्टम है वहाँ प्लेस होगा ऑर्बिट के पास सन के आसपास, सडनली वहाँ पर कोरोनल मास इजेक्शन हुआ तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, है ना। फिर उसके अलावा सोलर विंड के बारे में भी स्टडी करेंगे, कैसे कैसे वो मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में क्यों जा रही है, उस डायरेक्शन में क्यों जा रही है, क्या किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स उन सोलर फ्लेयर्स को मूव कराती हैं, ये सब स्टडी किया जाएगा। तो इस मिशन में काफ़ी कुछ नया होने वाला है, पूरा का पूरा जो हमारा इसका अपर एटमॉस्फेयर है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। अब जरा चलते हैं अपने लैग्रेंजियन पॉइंट्स पर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारी अर्थ है, अर्थ के पास ये छोटा सा हमारा मून है, ठीक है। दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ द L3 पॉइंट। नाउ ट्राई टू पे सम अटेंशन ऑन टू सम पोर्शंस ऑफ इट, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सन के और अर्थ के बीच में एक पॉइंट रख दिया, इसका हम लोगों ने नाम दे दिया दिस इज़ L1 पॉइंट, ठीक है। अब इस L1 पॉइंट के साथ में आप दूसरी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। देखो जब हम लोग बात करते हैं ना इसकी एक्लिप्सिस वगैरह की, तब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। नाउ सी, दो बॉडी ग्रेविटेशन सिस्टम होता है, ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं ना, ये ग्रेविटेशन सिस्टम के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये स्पेस में कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पर आप किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हो, ओके। तो दो बॉडी के जो ग्रेविटेशन सिस्टम्स होते हैं ना, ऐसे हमारे पास टोटल L5 हैं, 5 ऐसे लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने नंबरिंग दे दी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 में से L1, L2 और L3, ठीक है, ये रहा L1, ये रहा L2, ये L3, ये अनस्टेबल हैं। L4 और L5 स्टेबल होते हैं। अब ये जो अनस्टेबल वाले हैं ना, ये दो लार्ज मासेस की लाइन पर फॉल करते हैं। लार्ज मास दिख रहा है, अर्थ इज़ लार्ज मास, सन इज़ लार्ज मास, इनके लाइन पर हैं। स्टेबल वाले जो हैं ना, ये इक्विटोरियल ट्राइंगल बनाते हैं इनके साथ। स्टेबल वाले ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पर, ये एक्चुअल में इक्विटोरियल एंगल बन, वो 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विटोरियल बोल गया, इक्विलेटरल मतलब जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि इट फॉर्म्स 60 डिग्री, मैंने गलती से 90 डिग्री बोल दिया, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 60 डिग्री के होते हैं। अभी तो स्कूल में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है इनसाइड, तो 60 में डिवाइड हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि सन और मून के वर्टिस पर बनते हैं L4 और L5, और इन दोनों के सेम पाथ पर बनता है हमारा L1, L2 और L3, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है? तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना स्पेस के अंदर, ठीक है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसक्राफ्ट के लिए, ताकि वो इन पोजीशन पर एक जगह पर खड़ा हो जाए। तो जब वो इन पोजीशन पर आ जाता है ना, तो उसका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम सैटेलाइट को L1 के पास प्लेस करते हैं ना, तो उसको एक एडवांटेज मिलता है कि वो कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करेगा हमारे सन को बिना किसी अकल्टेशन या एक्लिप्स के, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो L1 पोजीशन होती है ना, जो ग्रेविटेशन पुल होता है इन दो लार्ज बॉडीज़ का, वो इक्वल हो जाता है इनकी सेंट्रिपेटल फोर्स के पास, ठीक है। तो इसको अपने साइड से कम एफर्ट करना पड़ता है मूवमेंट के लिए। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना, इनका नाम दिया गया था एक मैथमेटिशियन के नाम पर, उनका नाम था जोसेफी लुई लैग्रेंज। अब L1 हमने देखा सन और अर्थ के बीच में होता है, तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है अर्थ और सन के डिस्टेंस का। नासा का और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उनका एक मिशन है सोहो, दोनों का जॉइंट मिशन था सोहो मिशन, वो L1 पॉइंट के पास प्लेस किया गया था, ठीक है। नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वो L2 पॉइंट के पास प्लेस्ड है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप लास्ट ईयर मेंस के एग्ज़ाम में आया था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको इन पॉइंट्स वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए।
तो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने आपको डायग्राम में डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दी हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस ये मान के चलो कि कुछ पोजीशंस होती हैं जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट वगैरह को प्लेस किया जाता है एक स्टेबिलिटी के लिए और अपने एडवांटेजेस के लिए। तो आदित्य को L1 पर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और ये कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, कोरोना के बारे में थोड़ा याद रखना, दैट्स इट। ये टॉपिक ना आपका अभी के लिए 2024 के प्रीलिम्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है आदित्य L1 के बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू द मेंस एग्जाम ना तो वो पूरा आपसे पूछेंगे आदित्य L1 के बारे में। तो नेक्स्ट जो स्पेस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना वो आदित्य L1 का आएगा या फिर वो आएगा गगनयान का, क्योंकि अभी 2023 के जो मेंस में था उसमें चंद्रयान पर क्वेश्चन आ गया था। चंद्रयान इतनी बड़े सक्सेस थी तो सबको मालूम ही था, जिन्होंने भी मेंस का एग्जाम दिया दे ऑल न्यू कि इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। तो फ्यूचर के लिए आप लोग ध्यान रखो, नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस का एग्जाम दोगे कि उस टाइम रेलेवेंस किसकी होने वाली है, आदित्य L1 की रेलेवेंस होने वाली है। मंगलयान भी जाने वाला है कुछ समय, मंगलयान की बात कर रहा हूँ, शुक्रयान थोड़ा लेट होगा, वीनस ग्रह को शुक्र बोलते हैं, थोड़ा लेट जाएगा उसमें इतना समय। तो आदित्य और गगनयान ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स के लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स हैं इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया, एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर वुमेन इन जुडिशरी, वुमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेज स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर, दीज आर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो, तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स हैं जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूज़िक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान की रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसके क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यूपीएससी सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है,
एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर. तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है. लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है. फिशरी सेक्टर में उसमें इशूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं. अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ. तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, एट शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके. फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कौन सी हैं, कैस्पियन सी के पास, सेवन हिल्स ऑफ रोम, सेवन फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्टेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर. सो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे नो डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है. एंड अपनी नीड्स के हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से. 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो, कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो. तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे, देखोगे तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिशी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया, तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी. देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे. आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5-prong अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से. देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मैंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स. उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं. 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है. 5Is में इरीगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी, 3F मतलब फंड, फंक्शन, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट इट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे. इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो. उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़. देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर. डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज़ करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना. ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी. इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने. अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए, तो आपकी
फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें एग्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है सोते हैं, इसे बाद में आपको क्या रिपीट करना है ताकि आप भूलो ना। देर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम, तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ देम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के एंशियंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे, ये 1999 से हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोर्ट्स वगैरह। अब जो कोर्ट्स हैं ना उनमें एक चीज़ दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं लाइक एजुकेशन के सारे कोर्ट्स हैं ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारे कोर्ट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोर्ट्स, जैसे कि अगर आप ऑफरा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वूंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोर्ट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल उनको पुटअप करने, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है, लंबे लंबे कोर्ट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है, तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा, तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज़ करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़ बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट, और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC50 का ये यूज़ कर सकते हो, ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज़ कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टा मोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टा मोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो। तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप
प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना, सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, टाइडल लॉकिंग। जाने की कोशिश करेंगे इसमें कि टाइडल लॉकिंग क्या होता है, इसमें लूनर डे क्या होता है, लूनर नाइट का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स के अंदर टाइडल लॉकिंग किस तरीके से काम करती है, तो आसान भाषा में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ टाइडल लॉकिंग का, तो मून का जो रोटेशन होता है ना अपने एक्सेस पर सन के अकॉर्डिंगली, और उसका जो ऑर्बिट होता है अर्थ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि मून और अर्थ एक दूसरे पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स को इम्पैक्ट डालते हैं। मैं सब कुछ समझाऊंगा, ये बड़ा सुंदर सा डायग्राम है, इसको भी जानेंगे। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आ गया टाइडल लॉकिंग? हुआ ये, आपको पता होगा कि इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा है, तो वहाँ पर ना जो लूनर नाइट का एक टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पर हमारा जो रोवर था प्रज्ञान और हमारा जो लैंडर था विक्रम, इनको स्लीप मोड में डाल दिया गया था। ये हम जानेंगे कि वो नाइट का ऐसा क्या टाइम होता है कि उनको स्लीप मोड का मतलब क्या, हाइबरनेट कर दिया, कि उनकी एक्टिविटीज़ को ऑफ कर दिया है, फिर जो लूनर डे का टाइम आएगा उनको दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। चंद्रयान 3 जो है ये सोलर पावर्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्पेस के अंदर आप एनर्जी कहाँ से लेके आओगे? वहाँ पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तो है नहीं जो उनको बिजली प्रदान करेगा, तो इनमें बैटरीज लगी होती हैं। इन बैटरीज़ को रिचार्ज कैसे करते हैं? वही सोलर सिस्टम से, सोलर पैनल्स लगे होते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर, उनसे चार्ज हो रहे होते हैं। तो इसको प्लान किया गया था कि जो डे लाइट पीरियड होता है ना उसके साथ ये सिंक कर जाएगा। तो ये सब कुछ समझते हैं, डायर्नल टेम्परेचर रेंज एंड एवरीथिंग। तो पहले लूनर डे और लूनर नाइट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे अर्थ के ऊपर होता है ना, हमारे पास एक डे टाइम होता है, ठीक है, वो कितने का होता है? वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। जब हम लूनर डे की बात करेंगे तो चांद के ऊपर भी, ठीक है, लूनर डे का टाइम होता है जिसमें मून को एक पूरा का पूरा रोटेशन करना होता है अपने ही एक्सिस पर, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू सन। अर्थ पर भी यही होता है, विद रेस्पेक्ट टू सन, द मोमेंट अर्थ एक रोटेशन करती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ डे। पर एक जो मीन सोलर डे होता है ना मून के ऊपर, वो कितना होता है? अर्थ के 29.5 डेज का होता है, ठीक है। और जो एक मीन सोलर डे अर्थ का होता है वो कितना होता है? 24 आवर्स का। वी ऑल नो दिस थिंग, ये डिफरेंस याद रखिएगा। सोलर डे मून के ऊपर अर्थ के 29.5 डेज का होता है, अर्थ का जो डे होता है वो 24 आवर्स का होता है, ओके। अब टेम्परेचर का देख लेते हैं। मून के ऊपर जो डे टाइम वाला पीरियड चल रहा होगा उस पर जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत तेज चला जाता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली फॉल करती है 120 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। नाइट में वो चीज़ बहुत नेगेटिव चली जाती है, -130, तो इतना ठंडा हो जाता है। तो देखो अर्थ के हिसाब से 29.5 डेज तक मून पर ये टेम्परेचर होता है, और ऑपोजिट में यही टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। तो ये डायर्नल रेंज जो होती है ना, डायर्नल रेंज का मतलब होता है चेंज इन द टेम्परेचर रेंज, क्यों होता है? टाइडल लॉकिंग की वजह से होता है। अभी जानते हैं टाइडल लॉकिंग को, ये डायग्राम आप देखो जरा, ठीक है। तो यू ऑल हैव सीन दिस थिंग ऑल्सो अर्लियर ऑल्सो। अब हो क्या रहा है ना, ये अर्थ है, ये हमारा मून है, मून का एक साइड, जब हमारा ये मून हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया रिवॉल्व, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों अलग अलग होते हैं। रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पर, यानी कि ये जैसे अर्थ है, अर्थ का रोटेशन जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, 24 घंटे में खुद के पूरे 360 डिग्री घूम जाती है, लेकिन अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है, तो रिवोल्यूशन मतलब किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना, वो किसके अराउंड होता है? सन के अराउंड, वो कितना होता है? 365 डेज का। ऐसे ही जब हम मून को देखने की कोशिश करते हैं ना टाइडल लॉकिंग के अंदर, तो ओनली वन साइड ऑफ दिस मून इज़ विजिबल ऑन अर्थ, यही वाली साइड जो होती है विजिबल रहती है। यानी कि जब मून जो था अर्थ के चारों तरफ जब रिवॉल्व कर रहा था ना, तो वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा था कि ये वाली साइड हमेशा विजिबल रहेगी। सो वन साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज फेसिंग द अर्थ, जो अदर हो जाती है वो डार्कनेस में चली जाती है, डार्कनेस के हिसाब से। अब इसमें देखते हैं, जो ये नियर वाली साइड है ना, ये जो लाइट वाली साइड है, तो इसके हिसाब से
अर्थ से ये चीज़ 60% तक विजिबल होती है। जो ये फार साइड होती है ना, ये अर्थ से विजिबल नहीं होती है। फार साइड जो होती है ना, इसके ऊपर इल्यूमिनेट करती है सनलाइट। जब न्यू मून फेज आता है तो सनलाइट तो फॉल करेगी, मान लो सूरज इधर को होगा, यहाँ पर मून होगा, तो यहाँ फार साइड में अर्थ के हिसाब से ये फार साइड होगी, लेकिन इधर से सन के हिसाब से ये सनलाइट इस पर फॉल करती है न्यू मून के टाइम पर। ठीक है, तो उस टाइम पर मून अर्थ से अनविजिबल होता है, लेकिन उसको हर 15 दिन में लाइट भी मिल रही होती है। तो ये डार्क तब होता है जब इसमें कुछ टॉपोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं ना। तो देखो ये सब चीज़ें ना स्पेस मिशन्स में आइडेंटिफाई भी की गई थी। अब हुआ ये था ना, आप सबको याद होगा 1968 में हमारा एक अपोलो मिशन गया था, हमारा तो नहीं था, मतलब ये नासा का था, अपोलो 8 मिशन था। उसमें पहली बार ह्यूमंस ने मून का फार साइड ऑब्जर्व किया था उस मिशन के तहत ही। अब ये देखो इस सब मूवमेंट के टाइम से की वजह से ना, सी अर्थ के पास एक ग्रेविटेशन फोर्स है, मून के पास भी कुछ होता है, सन के पास भी कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो मून की शेप में ना कुछ डिस्टॉर्शंस भी आ जाते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट की जा रही होती है ना, वो स्ट्रॉन्गर होती है ऑन द साइड्स फेसिंग ईच अदर। इस पोजीशन पर इन दोनों ने एक दूसरे को फेस किया हुआ है, तो इस साइड में ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्ट्रांग हो रही होगी। इसके कारण क्या होता है, कुछ स्ट्रेचिंग होती है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो मून को डिफॉर्म कर देती है, तो थोड़ा सा ये पोल्स के ऊपर ना थोड़ा सा स्क्वैश कर जाता है। ठीक है, और इसका जो इक्वेटर होता है ना मून का, यहाँ थोड़ी सी बल्जिंग आ जाती है। ये जो सेम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है ना, ये अर्थ के ओशियन पर भी होती है। ऑलराइट, इसकी वजह से हमारे पास ओशियन के अंदर लो और हाई टाइड्स वगैरह देखने को मिलती हैं। फिर रोटेशन जो होती है वो भी स्लो होती है। ये जो टाइडल टॉर्क होता है ना, ये प्लैनेट के स्पिन को थोड़ा सा कम कर देता है। जब मून फॉर्म होता, व्हेन द मून इज़ फॉर्म ना, वो रोटेट करता है ज़्यादा क्विकली। मतलब जब मून की शुरुआत हुई थी, मून जब बना था, पता नहीं कितने सालों पहले बना था, तभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट घूमता था, अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि इतने लंबे समय तक इस पर अर्थ के ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट रहा है, सन के ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट रहा है। अर्थ भी स्लो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि मून के टाइडल इंट्रैक्शन के साथ। अब ये जो हमने देखा कि इसमें डायर्नल टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ा होता है, इसके कारण मून के ऊपर रहना, मून की जो हॉस्पिटैलिटी होती है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब बेसिकली यही बातें आपको समझनी थी, टाइडल लॉकिंग क्या होता है, किस तरीके से इसमें शेप वगैरह का इम्पैक्ट पड़ता है, मैंने आपको सब डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो लूनर डे, ठीक है, अब ये लूनर नाइट का जो था, शेप्स मून्स मिशन, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, तो स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पर एक्टिवेट रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, पर वहाँ पर नॉन सोलर कैसे अप्लाई करोगे आप नाइट के टाइम पर। ठीक है, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर वगैरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज वगैरह लगाई जाती हैं। फिर जब मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एवरीथिंग हैज़ इट्स यूनिक अमाउंट ऑफ टाइम, कब तक वो हीट होगी, कूल डाउन होगी। तो जो लूनर रॉक होते हैं, ठीक है, उनको हीटअप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। बट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द लूनर डे, आपको लूनर नाइट को समझना आसान हो जाएगा। तो बस यही था कि इसरो कोशिश कर रहा था प्रज्ञान को वेकअप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि लूनर नाइट के समय पर उन्होंने इसको सुला दिया था। तो ये था हमारा टॉपिक टाइडल लॉकिंग के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट 7.3, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। रिसेंटली हमारे कैबिनेट ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए VGF का अप्रूवल दे दिया था। तो सबसे पहले तो हमको ये VGF ही पता होना चाहिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग। देखो कभी कभी ना हम लोग बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं, ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये इकोनॉमिकली जस्टिफाई हो जाते हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन कभी कभी ना इसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की जो स्कीम होती है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है जब वो कहीं कहीं मार्जिनली दे फॉल शॉर्ट ऑफ फाइनेंस, इस तरह की स्कीम होती है। तो इसमें ना ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, जिसमें फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं पूरे कंसेशन पीरियड के, उन पर बात की जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना, किसमें, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हम लोग वेरियस सेक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फंडिंग होती है ना, वो 40% तक अवेलेबल होती है हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की, ठीक है। तो मैंने आपको आईडिया दे दिया, व्हाट इज़ दिस वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब हमारी स्कीम के अंदर हम लोग 4000 मेगावाट पर आर के हिसाब से ऐसे एनर्जी को स्टोर करने के प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे 2030 तक। तो 40% तक कैपिटल कॉस्ट जो होगी वो आएगी VGF से, फाइन। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के स्टोरेज बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने वी ऑल हैव द सेल फोन्स,
हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक बैटरी होती है। वो बैटरी क्या करती है, हमारी एनर्जी को स्टोर करती है, बट उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है और कुछ टाइम बाद ना वो रिड्यूस भी जाती है पावर, तो उसको हमें रिचार्ज करना पड़ता है। हम लोग फ्यूचर में करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जो और लंबे समय तक और बेहतर तरीके से हमारी इस तरह की एनर्जी को स्टोर करके रख पाएंगे। अब देखो गवर्नमेंट क्या करने वाली है ना, गवर्नमेंट इसमें स्कीम में टारगेट करेगी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि कुछ 5.5 रुपये से लेकर के और तकरीबन 6.5 रुपये के हिसाब से हम लोग पर किलोवाट आवर इसका चार्ज रखेंगे। तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम लोग एक वाइबल ऑप्शन बनाएंगे ताकि हम लोग कभी कभी जब पावर की डिमांड होगी ना तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। ज़रा ये देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज, मैकेनिकल में क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा हो ना जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ब्रिज वगैरह वो रिजर्वर्स बना देते हैं, उसमें हमने पानी को इकट्ठा कर लिया। तो एक तरीके से पानी हमारे लिए बिजली पैदा करता था, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं वाटर को पंप करते हैं थ्रू द रिजर्वोयर, उसमें डायनेमोज लगे होते हैं, उसको घुमाते हैं और बिजली पैदा होती है। एक फ्लाई व्हील होता है, पानी जब फ्लो कर रहा होता है ना तो वो इस व्हील पर फॉल करता है और ये व्हील घूमता है, घूमने से वो मशीन को घुमाता है और वो बिजली पैदा करती है। कंप्रेस्ड एयर से भी होता है। फिर कुछ दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल का, हमारे पास एक बैटरी होती है ना, लेड की बैटरी होती है, निकल कैडमियम की, इस तरीके से, और फ्लो बैटरी भी होता है। ये फ्लो बैटरी आज समझेंगे अच्छे से, यही मेन टॉपिक होने वाला है हमारे यहाँ पे। फिर हमारे पास डबल लेयर कैपेसिटर भी होते हैं। अब जिन्होंने कभी अपने घर में फ़ैन वगैरह को रिपेयर किया हो, आपके घर में पंखा लगा होता है कभी ख़राब हो गया, आपने देखा उस पर एक कैपेसिटर लगा होता है, वो भी बैटरी, वो भी एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज भी होते हैं, वी ऑल हैव सीन दिस थिंग कहीं ना कहीं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, सेंसिबल हीट स्टोरेज भी होता है। ये सब क्या कर रहे होते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। अब होने वाला क्या है ना, गवर्नमेंट बोल रही कि यार हम लोगों को ना बहुत सारे प्रोजेक्ट सेटअप करने पड़ेंगे जहाँ पर हम एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज का होने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। कम से कम भी मिनिमम 85% ये जो प्रोजेक्ट होंगे ना हमारे BESS वाले, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के, इनकी कैपेसिटी हम लोग अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है ना जो बिजली घरों तक पहुंचाती हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। अब वो इनको क्यों देना चाह रहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक ग्रिड सेटअप है जिनसे बिजली पहुंचाई जाती है शहरों में, घरों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये लोग क्या करेंगे, इसमें रिन्यूएबल को ऐड करना कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो वेस्ट होता है ना बहुत सारा उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। ओके, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम ही होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो टाइप को ज़रा देख लेते हैं। ये सब बैटरीज आपने देखी होंगी, ये स्टैंडर्ड बैटरीज होती हैं, यानी कि हम लोग इनको बोलते हैं नॉन फ्लो बैटरीज। तो ये कैसे काम करती हैं, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, आपने लेड वाली एसिड बैटरी देखी होगी, निकल कैडमियम की, लिथियम आयन वाली, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लिथियम आयन के बारे में देखा ही होगा। जनरली हमारे जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में होता है ना वो लिथियम आयन की बैटरी होती है। तो ये होता है नॉन फ्लो बैटरीज। नॉन फ्लो बैटरीज के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, और वो दो चीज़ें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड होता है। अब देखो पहले तो ये जानो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये ना एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कुछ फ्री पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनता है एक कंडक्टर के अंदर और एक नॉन कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइट एक मीडियम होता है जो करंट के फ्लो को अलाउ करता है, और ये इलेक्ट्रोड्स ये कनेक्शन होता है बिटवीन ए कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सर्किट एंड द नॉन मेटेलिक पार्ट ऑफ द सर्किट। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ आयोनिक सब्सटेंस के बने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स है ना कुछ ऐसी चीज़ के बने होते हैं जो एक सॉलिड स्टेट के अंदर एक बिजली को कंडक्ट करवा पाएगा। तो ये मेटल्स भी हो सकते हैं और ये ग्रेफाइट भी हो सकता है। तो ये टाइप का होता है। एक आता है फ्लो बैटरीज, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के बड़े से टैंक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे हमारी रिडॉक्स फ्लो बैटरी होती है, हाइब्रिड फ्लो बैटरी होती है। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, हम लोग इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना वेनेडियम वाला, ये उसमें आएगा। ये देखो वेनेडियम वाली ये बैटरीज होती हैं, फ्लो बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। मुझे लगता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ ना, ये वेनेडियम की रिडॉक्स फ्लो बैटरीज है,
नेक्स्ट टॉपिक का हिस्सा है, तो आपको ना ये यहीं पर क्लियर हो जाएगा, रिडॉक्स फ्लो बैटरी। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक से ये वाला डिफरेंस पहले देख लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज में एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, फ्लो वाले में एनर्जी डेंसिटी कम होती है। बट देखोगे आगे लार्ज स्केल पर आप इस्तेमाल कर सकते हो ये फ्लो वाली को, लाइफ साइकिल बड़ा होता है, शुरुआत की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है क्योंकि आप लार्ज स्केल के इस्तेमाल करें तो बड़ी बड़ी चीज़ें सेटअप करोगे, वेस्ट कम जनरेट करेगा, रिसाइकिल भी कर सकते हो, सेफ होती है, ईजी होता है, ठीक है। लिथियम वाले में क्या होता है, छोटे डिवाइसेस के लिए, लैपटॉप के लिए, सेलफोन के लिए, है ना, कुछ टाइम के बाद ही ख़राब हो जाती है। हमारे सेलफोन्स में भी ऐसा होता है, कुछ सालों के बाद वो बैटरी ख़राब जल्दी हो जाती है। बट इलेक्ट्रोलाइट वाले में ना हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को रिप्लेस कर देते हैं आसानी से, इनिशियल कॉस्ट कम होती है, फ़ोन की बैटरी सस्ती आएगी। बट आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जो बैटरी को लगाओगे वो फ्लो वाली, तो बड़ी महंगी आएगी वो। डिस्पोजेबल कॉस्ट भी हाई होती है, सेफ कम होती है और डिफ़िकल्ट होता है इसको एक्सपेंड कर पाना। तो ये डिफरेंस आप समझ गए बेसिक बेसिक सा, ठीक है जी। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये फ्लो बैटरीज़ के बारे में और ये नॉन फ्लो बैटरीज़ के बारे में। अब हम लोग बैटरी एनर्जी के स्टोरेज सिस्टम को डोमेस्टिक लेवल पर क्यों जनरेट करना चाहते हैं। हम लोग बहुत सारा बैटरी की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा बहुत सा पैसा बाहर जा रहा होता है। इन चीज़ों को हम लोग इंडिया में लेके आना चाहेंगे, इंडिया में करेंगे तो हमारा अपना ही जो माइनिंग सेक्टर होगा ना, वो सेक्टर हमारा ग्रो करेगा, फिर लोगों को जॉब मिलेगी। अब जॉब मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे जॉब के लिए, है ना, स्किल डेवलप करेंगे अपनी। अब होता क्या है ना, हमारा एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, उसने कहा था इस प्रोग्राम से कम 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 5 लाख लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो हुआ था UNFCCC का 26 वाला, उसमें हमने पंचअमृत टारगेट की बात की थी। तो एयर पोल्यूशन कम करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को साथ में मिलाने में ये जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये बहुत मदद करेगा हमारी। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कि रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए होगा। हमारे पास इंडिया में अपने आप में रॉ मटेरियल कम होता है, ठीक है। फिर हमारी दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर निकल लिथियम मिलेगा, चिली में लिथियम मिलता है, ठीक है, ब्राज़ील में निकल मिलता है, इनके साथ हमारी ऐसी पार्टनरशिप और एग्रीमेंट है ही नहीं कि हम उनसे जाके बोल दें कि यार हमको ये वाली चीज़ें पहुँचा दो, तो हमें एग्रीमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। कुछ पॉलिसीज़ रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी। हम लोग इस तरह के सब्सटेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं जो केमिकली यूज़फुल है बट केमिकली हार्मफुल भी है, तो हमारे पास कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन द R&D, ठीक है। अब हम लोगों ने ना इसमें टैक्स हॉलीडेज डिसकंटिन्यू कर दी थी। टैक्स हॉलीडे क्या होता है ना, कभी कभी किसी कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे सेलफोन ले लिया मैंने, मान लो सेलफोन पर 100 रुपीज़ का सेलफोन है और उस पर 10% का टैक्स लगता है, तो 110 का बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, 6 महीने के लिए टैक्स हॉलीडे दे देती है कि 6 महीने तक जो भी सेलफोन बिकेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 100 रुपये का था, 100 रुपये का बिकेगा, तो कंज्यूमर्स को सस्ता पड़ जाता है। बेसिकली कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोग उस टैक्स को बंद कर देते हैं। हमारे पास ना ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है इंडिजिनस लेवल के ऊपर जिसमें हम लोग बैटरीज की एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, तो वी नीड टू वर्क ऑन एवरीथिंग। पैसा चाहिए, फंडिंग बहुत सारी चाहिए, हमारे पास जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ डील करनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर हमें अपनी खुद की इंडस्ट्री को चाइना से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चाइना क्या करता है ना, चाइना इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोसेसिंग के अंदर ना पहले से बहुत काम करते आ रहा है, उनके पास इन हाउस अपने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस कि कैसे हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाएंगे। चाइना इन्हीं चीज़ों को चीप लेवल पर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेगा और हमारे कंट्री से चीज़ों से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा जो वो डंपिंग करते आए हैं। इसी कारण से इंडिया ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया था ताकि चाइना इंडिया में डंपिंग ना करे। ये इश्यूज़ हैं हमारे सामने, हमें इनको चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि जनवरी 2022 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा था कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को ना, जैसे जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, इनको एक लीगल स्टेटस दे दिया गया था। फिर मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ही कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, बिडिंग गाइडलाइंस कैसे होंगी। अगस्त 2023 में ही नेशनल फ्रेमवर्क भी बनाया था एनर्जी स्टोरेज का। फिर 2022 में हम लोगों ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स भी बनाए थे। तो यू सी, गवर्नमेंट ऑलरेडी इस सेक्शन पर काम कर रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है ना, ये पता नहीं आगे कितना एक्सपेंड करेगा, बट राइट नाउ सब लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने में। और ये क्वेश्चन मेंस में भी आया भी था, GS3 में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के।
तो मैंने ये बताया था उस टाइम पे कि बैटरीज़ का इशू भी चल रहे हैं। गर्मी के मौसम में बहुत सारी गाड़ियों में आग लग गई थी बैटरी वाली में, तो लोगों को प्रॉब्लम है कि बैटरी वाली कार ले लें, स्कूटी ले लें, बाइक ले लें, साइकिल ले लें, पर उसमें आग लग जाती है, उसका क्या करें। इसलिए गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है ताकि बैटरी वाले सिस्टम को हम लोग और बेहतर बना सकें। तो क्या कर सकते हैं, लोगों को डिमांड तो क्रिएट करें। हम ई बस बनाएंगे, ई कैब बनाएंगे, ई ऑटोज़ बनाएंगे, MOUs साइन करेंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट के साथ। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो बसेस होती हैं ना, बसेस को रिप्लेस कर रही है, उसमें ई बसेस लेके आ रही हैं। बसेस जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट में फ्यूल का जो कंजप्शन होता है ना, उससे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है, पॉल्यूशन होता है। तो एक व्यक्ति एक अपनी कार लेके जा रहा है और एक बस में 80 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस बहुत सारी चीज़ों को सेव कर लेती है। और बस भी अगर इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो कितना फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोगों को इसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों को फेज्ड मैनर में काम करना पड़ेगा, स्टेप्स में। पहले ये स्टेप क्लियर किया, फिर दूसरा स्टेप क्लियर किया इन्हें दिस वे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भारत के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम के अंदर। सब्सिडी देने से क्या होता है, हम एक तरीके से उसको इंसेंटिवाइज कर देते हैं। इनडायरेक्टली ये चीज़ हमारी डिमांड क्रिएट करती है। ऐसा अक्सर पाया गया था कि जैसे भारत स्टेज 6 की बात करते हैं, जो इंजन्स की कैपेबिलिटी होती है ना, स्टैंडर्ड होता है, गवर्नमेंट को जब ऑर्डर देना होता है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कि आप ई व्हीकल्स जनरेट कीजिए, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलती कि भाई हम ई व्हीकल जनरेट कर देंगे, लेकिन खरीदने वाले भी तो लोग हो ना, हम बना के रख दें, हमारे पास स्टॉक होता है, हम पूरी फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, हम लोग नए लोगों को हायर करेंगे, हम मशीनें लगाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, हम उसमें खर्चा करेंगे, करोड़ों रुपये लगाएंगे, पता चला कि हमारी गाड़ियाँ बिकी नहीं रही है। तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, गवर्नमेंट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो हम लोग उसको वी कैन एनकरेज द इन्वेस्टर्स कि आप इन सेल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करो, हम उसको इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कैटेगरी में सपोर्ट दे सकती है। GST के जो रेट्स होते हैं ना, उन पर अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे, दूसरे देशों से लाना कम करेंगे, अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करना चालू कर सकते हैं। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेस्ट मैनेजमेंट को डिजिटाइज कर देना, एंड ऑफ लाइफ अप्रोच, सर्कुलर इकोनॉमी। देखो ये सब ना अपने आप में टॉपिक है, EPR, एंड ऑफ लाइफ, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को इसी मैगजीन में। तो EPR क्या हो गया ना, जिसने प्रोड्यूस किया, कोई बैटरी थी फ़ोन की, ठीक है, जैसे आईफोन बहुत चलता है, आईफोन को लोग परचेज़ करते हैं कैमरा के लिए और उसकी बैटरी कंपैरेटिवली अच्छी होती है बाकी एंड्रॉयड फ़ोन से, तो लोग परचेज़ करते हैं। बट पीपल ऑल्सो लुक एट इट कि यार मेरा जब फ़ोन का यूजेज ख़त्म हो जाएगा तो बैटरी कहाँ जाएगी। इस चीज़ के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, कंपनीज होते हैं, उनको बोला जाता है आप EPR अप्रोच पे काम करो, आपने उस चीज़ को कभी ना कभी प्रोड्यूस किया था, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डिस्पोज कैसे करोगे, दीज थिंग्स। तो ये टॉपिक था हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, और ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, मेंस में, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पूछ लेंगे, आगे इलेक्ट्रिकल चीज़ें होने वाली ना, तो ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। वी हैव टॉपिक नंबर 7.4, इसमें हम लोग बात करेंगे वेनेडियम के बारे में। तो कुछ रिसर्चर्स थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनको गल्फ ऑफ खंबात में एक क्रिटिकल मिनरल है, उसके तहत इनको वेनेडियम मिला है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ दिस टाइटेनो मैग्नेटाइड, इसमें इनको वेनेडियम मिला है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसमें से एक वेनेडियम होता है। एटॉमिक नंबर 23 है इसका, ये एक ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल बेसिकली वो होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के दोनों साइड में होते हैं, अब आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा। तो ये अर्थ के क्रस्ट में अबंडेंस मिल जाता है, एंड फ्री एलिमेंट है, यानी कि 65 डिफरेंट मिनरल्स के साथ ही मिल जाता है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है, डक्टाइल और मेलिएबल। ये दो चीज़ें आप लोगों ने सबने स्कूल में पढ़ी हुई, आई थिंक 6th और 7th में, मुझे याद है हम सब पढ़ते रहे साइंस में जब ये शुरुआत होती थी इस तरह के चैप्टर्स की। तो डक्टाइल मतलब कोई भी ऐसा मेटल होता है जिसको आप वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मान लो आपको कोई एक मेटल मिला है, वो इस फॉर्म का है ना, इस तरीके का एक क्यूबॉइड में है वो, अब आप इसको ठोक ठोक के, है ना, कंप्रेस करके, स्क्वीज करके, एक्सपेंड करके आप इसको वायर की फॉर्म का शेप दे सकते हो। फिर मेलेबल मतलब हो सकता है कि आप इसको ठोक पीट करके शीट भी बना सकते हो, पतला भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है, एंड कोरोजन नहीं होता इसका ईजिली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कोलकाता में 1851 में बनाया गया था, बहुत ही पुराना था। उस समय रेलवेज़ को ना कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको ढूंढने के लिए बनाया था ताकि सर्वे करे देश में और पता चले कहाँ कहाँ पर कोयला है। आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। तो वही सब है, जियो साइंटिफिक डेटा पर काम करता है, मिनरल रिसोर्सेज को फाइंड एक्सप्लोर करने का काम करता है।
अब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ना ब्राज़ील करता है और चाइना इसको रिजर्व और प्रोड्यूसर के मामले में नंबर वन पोजीशन पर रखता है अपने आप को। इंडिया की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 2021 में कुछ इसके रिजर्व्स मिले थे, बट अगर इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस की बात करते हैं तो इंडिया में अराउंड 24 मिलियन टन के आसपास वेनेडियम अवेलेबल है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया अभी प्रीवियस टॉपिक से, रिडॉक्स फ्लो बैटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर, कैटलिस्ट का मतलब होता है जो दूसरे रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने के लिए, मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में, एरोस्पेस में, एविएशन में, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, जैसे एरोस्पेस में जनरली हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। फिर ये रिचार्जेबल फ्लो बैटरी के टाइप में इस्तेमाल हो सकता है, मैंने आपको दोनों के डिफरेंसेस पढ़ाई दिए थे। प्रॉब्लम ये होती है सिंस ये एक्सपोज हो सकता है तो उसके कारण ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी टॉक्सिक इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट के अंदर सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो गया। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ही हैं जो इसको प्रोडक्शन करती हैं, ब्राज़ील हाईएस्ट करता है, तो कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा ये प्रॉब्लम रहेगी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इश्यू रहेगा। उसके अलावा ये जो VFRB बैटरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी ये अभी अपने नेसेंट स्टेज पर है ना, तो वी कैन नॉट से हाउ इम्पैक्टफुल दे वुड बी इन फ्यूचर। तो ये था हमारा वेनेडियम वाला टॉपिक, इजी। एंड ये टॉपिक ना ऐसे टॉपिक आपके प्रिलिम्स में बहुत बनते हैं, लाइक सिंपल यहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि कौन सी कंट्री किसका हाईएस्ट इंपोर्टर एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर है। अभी भी आ रहा 2023 के प्रिलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही। नाउ वी हैव दिस इजी से टॉपिक 7.5 वाई क्रोमोसोम के बारे में। आप लोगों ने अक्सर एक्स क्रोमोसोम, XX, YY है ना, XY, ऐसे ऐसे कुछ शब्द सुने होंगे। स्कूल टाइम में हम सब ने बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा था। अभी टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली उन्होंने वाई क्रोमोसोम की ना सीक्वेंसिंग कर ली थी सक्सेसफुली। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं अगर उन्होंने सीक्वेंसिंग की है, सीक्वेंसिंग करने का मतलब क्या होता है, इसका ना एक एग्जैक्ट ऑर्डर पता करना, ठीक है, और किस चीज़ के बेसिस पर कि DNA के स्ट्रैंड के अंदर ये कहाँ पर कैसे अवेलेबल होगा। तो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट रेड सीक्वेंसिंग और एक होता है लॉन्ग रेड RED। दो तरह के मेथड से कि अप्रोच होती है बेसिकली ये। तो शॉर्ट वाले के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीनोम को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, तो काफ़ी इफेक्टिव होता है एंड प्रोफाइलिंग वगैरह इजी होती है। लॉन्ग स्ट्रैंड के अंदर भी हम लोग DNA को फ्रेगमेंट ही करते हैं और टैग कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हम एक एक फ्रेगमेंट को ना ट्रैक करते रहते हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा इजी होता है। ये दो तरीके होते हैं। अब जरा हम ये जानेंगे पहले तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वी ऑल हैव रेड अबाउट दिस थिंग, ठीक है जी। उसके बाद तो सेल के अंदर बीच ये जो ब्लू सा है ना ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग कोर पार्ट भी बोल सकते हैं, तो ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है क्या चीज़, ये ना थ्रेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्रोमोसोम बना किस चीज़ से होता है, ये प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है DNA का, ठीक है। इसमें होता क्या है, बेसिकली जीनोमिक इन्फॉर्मेशन होती है। आप ये भी कह सकते हो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की इन्फॉर्मेशन कैरी करता है ये, तो ये जीनोमिक इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल कैरी करेगा, ओके। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं नंबर्ड क्रोमोसोम्स, जिनको हम लोग ऑटोसोम भी बोलते हैं, और उसमें से एक पेयर होता है जो हमारा वन पेयर होता है, दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कि XX हो गया और एक होता है XY वाला, तो टोटल कितने हो गए ये 46 हो गए, तो कितना बन गया 23 पेयर बन गए ना 46 के। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों ने ये स्कूल में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ओके। अब ये आप देखो, ये क्रोमोसोम था, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, ये है टेलोमियर, ये होता है सेंट्रोमियर। तो ये चीज़ें हैं क्या, बेसिकली टेलोमियर जो होता है ना ये स्ट्रक्चर ही होते हैं, ये DNA के बने होते हैं, DNA सीक्वेंस और प्रोटीन से, तो ये क्रोमोसोम के एंडिंग पार्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है, साइन हम लोगों ने देखा ना अभी, मैंने आपको सीक्वेंसिंग का बताया था कि लॉन्ग रेड और शॉर्ट रेड, तो साइंटिस्ट ने वाई क्रोमोसोम की लॉन्ग रेड सीक्वेंसिंग की थी सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये सीक्वेंसिंग अगर हम लोगों ने की तो वाई जो था ना ये लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है जिसको सीक्वेंस किया गया है, तो टेलियोमियर से टेलियोमियर की सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है। क्यों करते हैं, इससे हमको बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन सी, जो वो वाली हेल्थ कंडीशन विच हैपन बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम। किसी भी व्यक्ति के शरीर में वाई क्रोमोसोम के कारण यदि कोई शरीर में परेशानी होती है, उसका आइडिया लगाने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों को वाई की सीक्वेंसिंग करनी आनी चाहिए,
अगर वाई क्रोमोसोम का कोई लॉस हो जाता है ना, उससे पता है क्या क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो अल्जाइमर वाली डिजीज़ होती है वो हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल के रोग जो होते हैं, इसलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जीन हो गया, ये डीएनए हो गया, ये तो आप सब समझते ही हैं, ठीक है। दिस वॉज बेसिकली ओवरऑल वॉट वी हैड टू स्टडी। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सीक्वेंसिंग मैंने आपको बता दी है। अब मैंने कहा था हम लोग देख रहे थे वाई क्रोमोसोम के बारे में, तो ये वन ऑफ द टू ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, दूसरा वाला एक्स होता है। तो ह्यूमन बींग्स में सेक्स के दो क्रोमोसोम थे, एक्स एंड वाई, तो 22 पेयर्स होते हैं, एक ये वाला होता है। वाई क्रोमोसोम से हमें पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो मेल है या फीमेल है। तो बेसिकली व्हेन इट विल बी एक्स एक्स तो इट विल बी गर्ल, व्हेन इट विल बी एक्स वाई इट विल बी बॉय। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैन। एक्चुअल में मैन आर द मैन के पास होता है ये वाला, तो उससे पता चलता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है ना, सो देर इज़ वन मेल, देन देर इज़ अ फीमेल, देन द फ्यूजन हैपन्स। तो फ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा, उसको डिटरमाइन कौन करता है, एक्चुअल में मेल की वजह से डिटरमाइन होता है वो, ठीक है। इज़ मेल डिटरमाइनिंग क्योंकि इसमें एस आर वाई जीन्स होते हैं। 60% जो वाई क्रोमोसोम होता है इसमें रेपिटेटिव डीएनए होता है। नो नीड टू स्टडी दिस, दिस थिंग यू कैन कंपेयर स्टडी एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्स कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एग्स और स्पर्म्स, वाई जो होता है सिर्फ स्पर्म से आता है, जो मैंने आपको बताया अभी। एक्स थोड़ा सा लॉन्गर होता है, वाई थोड़ा स्मॉलर होता है, पेयर में आता है फीमेल के अंदर, सिंगल मेल में होता है, मतलब फीमेल हैव एक्स एक्स, मेल हैव एक्स एंड वाई, इस तरीके से नॉर्मली अकर करता है सिंगल इन मेल ओनली। 2% होता है एंटायर ह्यूमन जीनोम का, ये 5% होता है एक्स एक्स जीनोटाइप, एक्स वाई जीनोटाइप, सिंपल, गॉट इट। तो बस ये टॉपिक था, सीक्वेंसिंग से हमको बहुत कुछ पता चलेगा ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, है ना, फ्यूचर में हम लोग मेडिसिन में कैसे कैसे एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स में, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस में ना ये नॉलेज ज़रूरी है आपको पता होना कि सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, फिर उसका जीन बनता है, उसमें डीएनए होता है, इस तरीके से। नाउ इन टॉपिक नंबर 7.6 दैट इज़ जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया, ब्राज़ील और पनामा में कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़, मच्छर थे, उनके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया और चेक किया गया कि उनकी पॉपुलेशन किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। तो 90% के आसपास जो ट्रायल्स थे वो बहुत हद तक सक्सेसफुल तरीके से हो पाए थे। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज़ दिस जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग की ही तकनीक ही है, इसमें हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसका मतलब होता है कि कोई भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, आपके पेरेंट्स से आप में कुछ आप इनहेरिट करते हो कुछ ट्रेट्स, उन ट्रेट्स में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, यानी उन सब को लेकर के एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो जीन स्प्रेड करना है आपको, कैस9 एक एंजाइम होता है जो डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल करता है, कट करने के लिए क्रिस्पर को हम कह सकते हैं बेसिकली, ये रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस ही होते हैं, और कैस9 हमने बताया ना एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, क्रिस्पर और कैस9 आपके प्रीलिम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है, दो बार आया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ना, इसमें नोबेल प्राइज भी दिया गया था कैस9 के लिए। तो इसका एक बार मैच द फॉलोइंग आया था, और एक बार ऐसा कुछ था कि ये जीन के लिए होता कैसे होता है। तो ये टॉपिक तो ही अपने आप में पूरे पूरे टॉपिक हैं, बट अब ये दो बार प्रीलिम्स में आ चुका है तो तीसरी बार आने के चांसेस नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट दैम। अब होता क्या है ना, इन तीन चीज़ों की मदद से जो जीन ड्राइव होती है ना वो काम करती है। आउटकम में क्या होता है कि हम ये तीन एलिमेंट एक एनिमल के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डीएनए में पहले से कुछ नेचुरली अकरिंग जीन था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। फिर वो क्या होता है, अब हमने रिप्लेस कर दिया, अब वो फर्दर जीन ड्राइव के बाद ये वाला था ये ऐड कर दिया, अब ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। नॉर्मल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जो उसमें बदलाव आ रहे होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में आगे पास ऑन होते हैं, बट जब जीन ड्राइव के तरीके से किया जाता है ना, तो वो आगे फर्दर कैरी होते चले जाते हैं, और वो इतना बदलाव कर देते हैं, एक टाइम आता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का कि वो सब में वो सेम जीन फैल जाता है। तो इसका इसलिए काम किया जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि भाई, एक तो ना हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इन्वेजिव स्पीशीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब इन्वेजिव स्पीशीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, एनवायरनमेंट वाले में हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा था। देन अभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ मॉस्किटोज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस ये सब फैलता है। प्रॉब्लम ये होगी, हम लोग इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद द लॉज ऑफ द नेचर।
अभी तक ये चीज़ कितनी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इसको लीगल तरीके से, क्योंकि किसी ने इस टेक्नोलॉजी को चुरा लिया, किसी के गलत हाथों में पड़ेगी, मिसयूज़ किया तो, है ना, बायोटेररिज्म का खतरा हो सकता है। फिर ये चीज़ एथिकल है या नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो इरिवर्सिबल है, फिर उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। तो इसके बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हो सकते हैं, उनको राइट नाउ ये एड्रेस कर रहा है, बट वी ऑल्सो नीड टू सी कि हमारे कारण से कोई नया चैलेंज तो खड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, एक टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से हम नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट्स इट, सिंपल सा टॉपिक था। न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपर लूप की। तो हाइपर लूप क्या होता है, एक ना बेसिकली ट्यूब सी होती है, जैसे अपना मेट्रो स्टेशन होता है ना, तो आप क्या करते हो, टर्मिनल पे जाते हो, आप टिकट लेते हो, मेट्रो में बैठते हो और आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाते हो। अब मान लो वही आपकी मेट्रो ट्रेन है, वो मेट्रो के डब्बे हैं, लेकिन अभी ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये एक ट्यूब के अंदर है पूरी की पूरी, ऐसा सही होगा। तो इसी को बोलेंगे हाइपर लूप। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करेंगे, वैक्यूम होगा, पूरा बंद रहेगा, तो मैग्नेटिक लेविटेशन से ना ये ट्रेन चलेगी, तो ये बहुत हाई स्पीड में चलेगी, उसी को बोलते हैं हाइपर लूप। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है, उसमें यहाँ पैसेंजर भी चल सकते हैं, कार्गो भी, सामान भी जाएगा। ट्यूब होगी, पोर्ड जो कि कोच होगा, और टर्मिनल्स होंगे, तो चीप होगा, एयर ट्रैवल से भी कम टाइम लगेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। इसको लेकर के टाटा स्टील ने, और ये एक स्टार्टअप है, TUTR हाइपरलूप। अभी TUTR को उन्होंने कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, इन्होंने एक MOU साइन किया था कि कैसे इंडिया में हाइपरलूप को डेवलप करेंगे। ककरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये पहला इंडिजिनियस प्लांट है, तो ककरापार न्यूक्लियर प्लांट, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग इन गुजरात। तो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का पहला है, 2020 में इंडिया ने ये अचीवमेंट पाई थी। अच्छा, इसमें आपको बस समझना पड़ेगा इंडिया का जो 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, उसके बारे में। राइट नाउ हम लोग स्टेज 2 पर हैं, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने 3 stage की बात की थी, ठीक है। स्टेज 1 में हम लोगों ने बात की थी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, और ये हम लोग करेंगे नेचुरल यूरेनियम से। स्टेज 2 में हम लोगों ने बात की थी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, ठीक है, ये हम लोग करने वाले थे प्लूटोनियम से। थर्ड स्टेज में हम लोग बात करेंगे थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की। तो जो पहले 2 stage है ना, उनसे हम लोग इतना फिजल मटेरियल डेवलप कर लेते हैं, दे आर इंटेंडेड टू जनरेट इनफ फिजल मटेरियल इंडिया के जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना वहाँ से। थर्ड स्टेज के अंदर इंडिया बहुत सारे थोरियम के रिजर्व्स को अप्लाई करेगा, तो बहुत सारा फिजल मटेरियल डेवलप करके, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। तो इंडिया 2nd stage पे है अभी, एंड थिन वॉल्ड प्रेशर ट्यूब्स होती हैं, उनसे एक्सीडेंट कम होता है, और पैसिव डिके हीट रिमूवल सिस्टम गर्मी को कम करने के लिए, ताकि जापान में 2011 में जो फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वैसा ना हो सके। ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक प्रीलिम्स में लोकेशन वगैरह पूछ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेलीकॉम ब्रॉडकास्टिंग एंड IT सेक्टर में, तो टेलीकॉम TRAI का हमारा एक्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो इन्होंने कंसल्टेशन पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में हम लोग पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें और R&D पे काम करेंगे। तो इस एक्ट के तहत TRAI रिकमेंडेशन देता है इंडिया में टेली कम्युनिकेशन कैसे चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंडस्ट्री, मैं ये जनरल पॉइंट्स डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्नैपशॉट एट इंडियाज R&D इकोसिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो R&D का एक्सपेंडिचर हमारे GDP का 0.7% ही है, एंड जो टॉप 10 इकोनॉमीज में कम से कम 3% तक, 1.5% से 3% तक देती है, तो हम लोग उसका भी हाफ करते हैं। तो हमें ये रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपना GDP का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो USA 24% करता है, चाइना 23%, जापान 21, तो यानी कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, दूसरे देशों में गवर्नमेंट कम करती है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा करता है। इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 48th है, और रिसर्च डेवलपमेंट में हम लोगों ने ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। तो दूसरा होता है रेगुलर रूट, उसमें क्या होता है कि आपको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पेटेंट्स वगैरह के अंदर जो ग्रांट था वो 1.5 टाइम्स हो चुका है, है ना, तो पेटेंट्स में 1.5 है, ग्रांट्स के अंदर 5 times हो चुका है पहले से ज़्यादा। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दिस 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।
7.4 में हम लोग बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं कि जो कि हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है ताकि हम लोग किसी भी इन्फेक्शन वगैरह को, किसी भी इम्पैक्ट को क्योर कर सकें। मोनोक्लोनल बेसिकली आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कॉपी करती हैं, ठीक है। तो वो कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को निकालते हैं ह्यूमन ब्लड से, फिर उसकी कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने 2018 के निपा आउटब्रेक में इस्तेमाल की थी केरला में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मंगवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो बस ये था टॉपिक छोटा सा। WHO ने एक हाइपरटेंशन की रिपोर्ट निकाली थी। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही ना हाइपरटेंशन मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होता है। इंडिया में 31% ऐसे लोग हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं। तो इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल एक इनिशिएटिव ही था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, ICMR का, है ना, WHO के साथ मिलकर के। G20 के टाइम पर एक गुजरात डिक्लेरेशन भी हुआ था जिसमें हम लोगों ने बात की थी ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन की नॉलेज को और रिवाइव करके स्ट्रॉन्ग मेंटेन करके रखने की। स्क्रब टाइफस एक डिजीज़ होती है जो एक बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम होता है ओरिएंशिया सुसुगामुशी। अभी अजीब सा नाम है, आई डोंट नो व्हाई। इसकी कोई वैक्सीन तो नहीं होती है बट ये जनरली साउथ ईस्ट एशिया में, है ना, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया में पाया जाता है। फीवर हो जाएगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, कभी कभी रैशेज भी आएंगे बॉडी पर। तो कुछ माइट्स होते हैं, मतलब कुछ कीड़े टाइप के होते हैं, उनके काटने से होता है डिजीज़। RNA स्टडी ऑफ तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर जो होता है तो एक कार्निवोरस एनिमल ही है, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। तो रिसेंटली उसके एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का एक RNA का हम लोगों ने सीक्वेंसिंग की थी। सीक्वेंसिंग मैंने आपको ऊपर बताया अभी था। RNA क्या होता है, DNA की तरह ही होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो कोशिश करेंगे कि पास्ट के पैंडमिक्स वगैरह कैसे आए थे, है ना। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइगर के RNA को स्टडी करके आइडिया लगाएंगे उस टाइम पर क्या कुछ होता था, कैसे उसकी बॉडी काम करती थी और कैसे उस टाइम के इवेंट्स से उनकी लाइफस्टाइल इंपैक्ट होता था। डॉली शिप जो है ये पहला मैमल था जिसको एक अडल्ट सेल से क्लोन करके बनाया गया था। तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र आपके प्रीलिम्स में पहले आ चुका है एक बार, या आई थिंक दो बार आ चुका है। तो इसके अंदर एक एग सेल, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको रिमूव करते हैं और उसमें एक डोनर के अडल्ट सेल का न्यूक्लियस डाल देते हैं, तो उससे क्लोनिंग हो जाती है। तो जिस पर्सन ने इसको बनाया था ना, डॉली ने, वो रिसेंटली पास्ड अवे, सर इयान विल्मट। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, तो एक डिस्प्यूट है। तो कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने बताया कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ नए भी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। अब हम ये कहते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पुराना हमारा यूनिवर्स है। तो ये स्टार्ट बिग बैंग हुआ था, उसके बाद हमारा यूनिवर्स निकल के आया था एंड फिर ये एक्सपेंड हुआ, स्ट्रेच हुआ और ये अभी भी बढ़ रहा है। 1929 में एडविन हबल ने एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है। तो वो जो हबल कांस्टेंट बोलते थे उसको, उसको हम कैलकुलेट करते थे सुपरनोवा की ब्राइटनेस वगैरह को चेक करके एंड ऑल दिस थिंग्स। अब हुआ ये है ना कि हबल कांस्टेंट को मेजर करने में ना अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक में ग्रेविटेशनल वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, एक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का, ठीक है, एक में हम लोग सुपरनोवा की ब्राइटनेस का। तो अलग अलग तरीके होते हैं उसको कैलकुलेट करने के। अब उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर डेवलपमेंट हुई है, तो कौन से मेथड में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्लम आती थी। अब रिसर्चर्स ने कहा है कि हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हबल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। CE20 क्रायोजेनिक इंजन, तो इसरो ने रिसेंटली इस क्रायोजेनिक इंजन से एक सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। मिशन गगनयान में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे ट्रेडिशनल वाले होते हैं उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल होता है ये -150 डिग्री से -273 डिग्रीज तक काम करता है। नासा ओसायरिस रेक्स एस्ट्रॉयड, तो नासा ने ना 2016 में लॉन्च किया था ये ओसायरिस रेक्स। क्या है ये बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है बेनू, वहाँ से कुछ सैंपल लेके आएगा। 2020 में ओसायरिस रेक्स स्पेस का अपने कुछ सैंपल कलेक्ट किए थे एस्ट्रॉयड बेनू से। तो बेनू जो है ना, इसमें बहुत सारा कार्बन है, ठीक है। तो अभी ये जो एस्ट्रॉयड के सैंपल लेकर के ये जो ओसायरिस रेक्स है ना, ये वापस आ गया धरती पर। तो एस्ट्रॉयड के सैंपल लेने से हमें बहुत कुछ पता चलता है वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के बारे में भी, और कुछ एस्ट्रॉयड आ तो नहीं सकते फ्यूचर में। तो दूसरे भी मिशन गए हुए हैं एस्ट्रॉयड के सैंपल लेने के लिए, जैसे स्टारडस्ट गया हुआ है, हयाबुसा गया हुआ है जापान का, स्लिम एंड ज़िम रिज्म। तो जापान ने लॉन्च किया था एक रॉकेट जिसमें स्लिम मून लैंडर है और रिज्म एक स्पेस टेलीस्कोप है। तो स्लिम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून,
ठीक है। तो जापान का पहला सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे वो लोग मून पर 2024 में। रिज्म जो है ये जापान, नासा और यूरोप का मिला हुआ है एक बेसिकली मिशन ही है, उसमें साथ में कैरी कर रहे हैं। तो ये लोग भी स्टडी करेंगे यूनिवर्स को बारे में, एक्सरे लाइट का और ओरिजिन वगैरह कहाँ से हुआ। मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी, तो एक नासा का ऑक्सीजन को जनरेट करने का इंस्ट्रूमेंट है मार्स के ऊपर जो रोवर भेजा हुआ है ना परसेवरेंस, उसके लिए। तो इसका मार्स मिशन पूरा हो चुका है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ऑक्सीजन जनरेट करता है और मार्स के ऊपर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन को वहाँ पर एज अ फ्यूल और ब्रीद करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नासा का जूनो मिशन था, तो उसने रिसेंटली जुपिटर के पास 53rd फ्लाई बाय कम्प्लीट किया था 2011 में, उन्होंने भेजा था 5 साल के जर्नी के लिए, लेकिन बट टाइम काफ़ी हो चुका अभी तक है वो। तो जुपिटर के डेंस क्लाउड्स को स्टडी करने के लिए, जुपिटर का ओरिजिन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम के बारे में, जायंट प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। K2-18b एक एक्जो प्लैनेट होता है, एक्जो प्लैनेट बेसिकली जो हमारे सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट पाए जाते हैं। तो ये अर्थ से 120 लाइट ईयर्स अवे है, 120 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर जो होता है ना ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो बेसिकली हम पहले स्पीड ऑफ लाइट को देखते हैं, ठीक है, कि एक सेकंड में कितना चलेगी, फिर हम उसका निकालते हैं एक साल में कितना ट्रेवल करेगी लाइट। हम लोगों ने आज तक जो देखा है, हमें पता है नॉन यूनिवर्स में कि फास्टेस्ट जो जिसकी स्पीड है वो लाइट की है, ठीक है। तो अब लाइट एक सेकंड में कितना चलती है वो हमें पता होना चाहिए, देन वी विल मेजर कि लाइट पूरे के पूरे एक साल में कितना ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भाई कोई भी चीज़ कितने डिस्टेंस पर है। अगर आप देखते हो कि ये स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ तो इट गोज समवेयर अराउंड 300000000 इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अभी कैलकुलेट कर लो, फिर उसको किलोमीटर आर में कन्वर्ट कर लो, फिर एक साल का निकालो, फिर उसको 120 से मल्टीप्लाई करो, इतना दूर है ये प्लैनेट। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप से हमें पता चल सकता है बहुत सारी चीज़ें, हम लोग चेक करते रहते हैं। तो रिसेंटली इस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था कि इस एक्सोप्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी हैं। मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये देख सिंपल जो लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड बाय इंट्रैक्शन बिटवीन सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में। ये जो सोलर वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ना ऊपर, जो लैग्रेंज पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने सोलर फ्लेयर और CME के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली वही होता है, अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ जब ये सारी की सारी सन की जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं टकराती हैं ना, तब एक मैग्नेटोस्फेरिक सब स्टॉर्म बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर ब्लू मून डेफिनेशंस है, ठीक है। सेकंड फुल मून जो होता है एक महीने में उसको हम लोग ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। तो 4 फुल मून होते हैं, जो थर्ड फुल मून होता है वो ब्लू बन जाता है। सुपर मून होता है जब वो अपने पेरिजी मतलब होता है कितना पास, एपोजी मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस उस टाइम पर। तो जब फुल मून अपने पेरिजी पे होता है तो सुपर मून होता है, ठीक है, और एपोजी पे होता है तो माइक्रो मून हो जाता है। एपोजी मतलब होता है कितना दूर है और पेरिजी मतलब कितना पास है। तो 3 जो लूनर अक्रेंस होते हैं ना, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून, उसके कन्वर्जेंस पे आता है सुपर ब्लू मून, दैट्स इट। ये कुछ मिस्टेक बताई थी उन्होंने, एक इसके हेडक्वार्टर्स गलत लिख दिए थे, तो ये जून वाली मैगजीन में, किसी ने अगर नोट्स बनाए हो तो करेक्ट कर लेना वहाँ पर। यहाँ पर साइंस एंड टेक का न्यूज़ इन शॉर्ट होता है, ख़त्म। लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर वाला सेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नटराज स्टैचू की। तो ये नटराज वाली आइडल आपने देखी भी होगी, एंड रिसेंटली G20 का जो समिट हुआ था ना उसके लिए जो भारत मंडपम है वहाँ पर वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज स्टैचू लगाई गई है। तो वो जो लगाई गई है वो बहुत बड़ी है, 27 फुट टॉल, 18 टन की है। एक मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्थापति जी, उन्होंने बनाई थी इसको। तो इसे 8 धातुओं से, जिसे हम बोलते हैं अष्ट धातु, यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, आयरन, मरकरी, इन सबको मिला करके बनाया गया था। तो नटराज, वी कॉल देम नटराज, नट मतलब मूवमेंट, डांस, रिदम, तो वी कॉल इन द लॉर्ड ऑफ द डांस। एंड चोलाज लॉर्ड शिवा को नटराज मानते थे, एंड इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखी थी। जो पंचकृत्य देखते हैं हम लोग इसमें, पंचकृत्य यानी कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, व्हीलिंग एंड ग्रेस, 5 कृत दर्शाता है ये। अगर आप इसको देखोगे, इसके यहाँ पर हाथ में डमरू है, ठीक है, अपर लेफ्ट हैंड के अंदर यहाँ अग्नि है, आग है, जो कि बेसिकली डमरू क्रिएशन को बताता है ना। देन वी हैव दिस अग्नि, ये डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है। तो जो लोअर वाला राइट हैंड है ये अभय मुद्रा में है ना, अभय मुद्रा में हम लोग बोलते हैं कि अभय, अ
भय, भय मतलब फियर, अभय मतलब नो फियर, उस तरीके से। फिर जो ये लोअर वाला लेफ्ट हैंड है, ये बेसिकली डोल हस्त है। अलग अलग चीज़ें हैं ये, दिस इज समथिंग लाइक भुजंग अस्त्रिस्ता एंड देन वी हैव अपामसर। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई करती हैं। एक बार क्वेश्चन आया था इसका और पुराना, बहुत ही सुंदर है, घरों में भी लगाते हैं लोग उसको। तो पहली बार ये पल्लवा पीरियड में पाई गई थी एंड उसके बाद ये चोला डायनेस्टी के टाइम पर भी इसको इवोल्यूशन हुआ। तो तमिलनाडु का चिदंबरम एरिया में थिलाई नटराजा टेम्पल है, वहाँ पर इनकी एक इमेज पाई गई थी। प्राणटक चोला डायनेस्टी के एक रूलर थे, उन्होंने इस टेम्पल के बारे में बात की थी। एंड हम लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में बनाया गया ये वाला टेम्पल। तो अब वर्ल्ड का मैग्नेटिक जो इक्वेटर है वो हम लोग तब जान पाएंगे जब हमें पता होगा कि वर्ल्ड की मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साउथ पोल का क्या रोल होता है, वो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो। थोड़ा सा हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। ये अब आपका ये जो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब आपकी स्टैटिक बुक में गिवन है। इवन इफ़ यू डोंट रीड राइट नाउ, नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करना चाहो कर जाओ, यहाँ पे टाइम बचा लो अपना। मैं बस एक बार हल्का सा रीड ही करूँगा क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कहानी है पुरानी जो आप पढ़ते हो अपनी हिस्ट्री में। तो पहले तो चोला किंगडम और उसके नेबर्स का मैप देख लो, है ना। ये कलिंग वाला रीजन था, यादवाज यहाँ बसे हुए थे। इनके सिक्वेंसिंग पर, क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन आया है पिछले 2-3 सालों में, पूछा गया है। ये पांड्यास का रीजन था, है ना, ये चोलास का रीजन था, इस तरीके से। ये बादामी वाला एरिया, ये सब नाम आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। थंजावुर का नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेंगी का, चालुक्यास, चोलास, पांड्यास, काकत्यास, कदम्बास, कल्याणी, ये पूरा का पूरा रीजन इस तरीके से पॉपुलर था। तो चोला पीरियड में हम लोगों ने मेटल स्कल्पचर यानी कि ये मेटल धातु की जो मूर्तियाँ होती हैं ये देखी थी। एक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होते हैं, इसको सिरे पर जो भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सांचा बोलते हैं, उसमें जो वैक्स होता है ना मोम, उसको मेल्ट करके डाल देते हैं, तो उस सांचे की शेप ले लेता है, उस फ्रेम की शेप ले लेता है वो। पुराणस जो है ना, पुराणस बेसिकली इसमें कथाएँ कहानियाँ हैं, उनके बेसिस पर बहुत सारी पेंटिंग पाई जाती हैं। एक पेंटिंग में ये भी माना जाता है कि जो मार्को पोलो था ना, जो हिस्टोरिकल ट्रैवलर है, उसकी भी एक इमेज लगी हुई थी बृहदेश्वर टेम्पल में। म्यूज़िक एंड डांस की बात करते कहते हैं कि भरतनाट्यम जो था वो चोलास के टाइम पर निकल के आया था। फिर यहाँ पर पल्लवा आर्किटेक्चर, चालुक्य का इन्फ्लुएंस भी पाया गया था, तो जो भी मंदिर वगैरह बनाए गए थे द्रविड़ियन स्टाइल में थे वो। इनके जो टेम्पल्स थे उनकी बाउंड्री वॉल काफ़ी हाई होती थी, गर्भगृह भी था। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ये लोग इकोनार्क सन टेम्पल के ना, हम लोग ये टेम्पल्स के टाइप देखेंगे वहाँ पर। तो ये सब, ये विमान, गोपुर, गर्भगृह समझ जाएंगे। प्योर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, प्योर आएगी तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही आएगी। तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिजिक्स साइंस लैब है ना, सर्न, जो स्विट्ज़रलैंड में है, उसके बाहर भी एक नटराज की स्टैचू लगी हुई है, ठीक है। तो इंडिया ने गिफ्ट दिया था ये सर्न को उस टाइम पर। कोणार्क सन टेम्पल है। तो रिसेंटली जो G20 की समिट थी उसमें हमारे कोणार्क सन टेम्पल का एक म्यूरल बनाया गया था। म्यूरल में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ग्रैफिटी होता है ना दीवार के ऊपर जो पेंट वो बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन, वो म्यूरल्स का पार्ट बन जाता है। सड़क के ऊपर कुछ बनाया जाते हैं वो भी म्यूरल का पार्ट बन जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल के बारे में हम लोग जानेंगे एंड इसके अलावा और भी प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स हैं। देखो तुम लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अपने जीवन में ना कुछ करो ना करो, मेक श्योर कि तुम ये जो पॉपुलर टेम्पल्स होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ मंदिर ये हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, इनको विजिट ज़रूर कर लेना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एक कैलाश मानसरोवर हो गया, ठीक है, एक माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट पे ना तुम लोगों को ट्रैक करके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ना हेलीकॉप्टर राइड्स होती हैं, वो कर सकते हो। एक अफ्रीकन सफारी कर लेना एक बार, एंटार्क्टिक, फिर सबसे लास्ट में एंटार्क्टिका का प्लान कर लेना। और एक चीज़ और, अफ्रीकन सफारी के बाद अगर कर सको तो अमेजॉन फॉरेस्ट की जो सफारी होती है ना, ये ना प्रोमिनेंट चीज़ें हैं अर्थ पे, जिंदा रहते रहते कर लेना। सारे दिन बस नौकरी नौकरी, फाइल, डेस्क, ठीक है, प्रमोशन, पैसा, शादी, नौकरी, बच्चे, इस मत फंसे रह जाना। सम ऑफ यू वुड बी देयर जो बहुत ट्रैवल करते होंगे, है ना, NCR में रहते हो तो ऋषिकेश चले जाओगे, उसको ट्रैवल मत बोलना, वो एक नॉर्मल होता है, इट्स द स्टार्टिंग। मरने दम तक ऐसे कुछ टारगेट्स बना लो कि ये चीज़ें कवर करनी ही करनी है। 2024 में स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। हर महीने एक ज्योतिर्लिंग विजिट कर लो, 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग विजिट कर लो। ये चीज़ें होती करने लायक ज़िंदगी में, महंगे नहीं होते, बहुत सस्ते होते हैं, हर महीने एक आराम से किया जा सकता है। इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन डू इट, ठीक है। चलो एडवांस अलग बातें बाद में। तो कोणार्क सन टेम्पल
हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे हम ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं। या सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन या कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है। अर्क क्षेत्र भी बोलते हैं, पद्म क्षेत्र भी बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सन टेम्पल है, सन टेम्पल है तो हम लोग सूर्य देवता को का पूजन कर रहे होंगे। यहाँ पर मारतंड सन टेम्पल है ना। ब्राह्मण्य देव टेम्पल एमपी में है। गुजरात का मोधेरा सन टेम्पल है। तमिलनाडु में सूर्यनार कोविल है। आंध्र प्रदेश में अरसावल्ली सूर्य नारायण है। बिहार में दक्षिण अर्क है। असम में सूर्य पहाड़ है। एंड उत्तराखंड में कटरमल सूर्य है। अब आई डोंट नो, मैंने कभी किया तो नहीं है, बट जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ लेते हैं उनको भी बताया जाता है, किसी का सन वीक होता है तो विजिट वन ऑफ द सन टेम्पल्स। अब मुझे नहीं पता कौन किसको बताता है, बट ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दीज आर 13 थिंग्स विच शुड बी डन। तो ये वाला जो अपना कोणार्क वाला है, ये बेसिकली क्लोराइट, लेटराइट और खोंडलाइट रॉक से बना हुआ है। हमारे जो गुरुदेव थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक बात कही थी कि इट्स अ प्लेस वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। अब ये कोई लेखक ही बता सकता है, लिटरेचर वाला पर्सन ऐसी बात बोल सकता है। वो कहना चाह रहे थे कि इन पत्थरों का जो अस्तित्व है ना, वो अपने आप में एक भाषा है, कुछ बयां करते हैं, और जो बयां करते हैं ना, वो इंसान की भाषा से भी बहुत ऊंचा है। तो ओडिशा के रीजन में पाया जाता है ये। कलिंग रीजन जब हुआ करता था उस टाइम पर, यहाँ पर चोड़ागंगा डायनेस्टी थी, ठीक है। तो कमरनवा थे जो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, एंड उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसूर का भी एक पार्ट था जो यहाँ पर रूल करता था। तो अब वो आप ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़ोगे, अपनी बुक में पढ़ते हो आप, तो वहाँ से थोड़ा रिलेट करना। अब थोड़ा टेम्पल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। टेम्पल के स्ट्रक्चर भी क्वेश्चंस आए हैं, पहले प्रीलिम्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। मेंस में जीएस 1 का पार्ट बनता है। तो ये टॉपिक में मैं यहाँ पर स्किप भी कर सकता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, ठीक है। कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर एंड ऑल दिस थिंग, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एंड ऑल। बट मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा रीड कर लेता हूँ, जिसने ऑलरेडी किया हुआ उसको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये कोणार्क सन टेम्पल है, इसमें अगर आप देखोगे, ये है नाट्य मंडप, ये है जगमोहन, ये द्योल है, ये भोग मंदिर है, ठीक है। एंट्रेंस में ना गज सिंहा है इसका। गज मतलब हाथी, सिंह मतलब लायंस, तो प्राइड को, वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नाट्य मंडप है ना, ये गज सिंहा के बाद सीधा नाट्य मंडप आता है, ठीक है। तो ये डांस का, थिएटर का ये प्लेस बनाई गई थी। जगमोहन मुखशाला, ये असेंबली हॉल होता है। देओल के अंदर बेसिकली सेंक्टम होता है, जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है। भोग मंदिर किचन, जहाँ पर जो सब लोग अपना भोजन वगैरह करते हैं, प्रसाद वगैरह मिलता है। कलिंग आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं, तो मंदिर में ये सब होते थे, घंटा, पीड़ जगमोहन, रेखा द्वयल, ये कलश था, ये अमल था, ये भूमि अमल, राहपग है ना, जंग बरंदी जंग, भाई ये नाम है। और अगर आपकी ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली फेस इशूज़ वाइल रिमेंबरिंग दीज वर्ड्स, बट वेन इट कम्स टू द एग्ज़ाम आपको एक बार तो सुनना पड़ेगा। तो कलिंग का जो टाइम था ना, कलिंग आर्किटेक्चर में, उसमें हम लोग नागर स्टाइल में भी करते थे और हम द्रविड़ स्टाइल में भी करते थे। तो नागर स्टाइल जनरली नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है, द्रविड़ स्टाइल जो था साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता था। तो ये जो देओल वाला रीजन होता है, ये सेंक्टम होता है मेजरली हमारा, है ना। जगमोहन जो होता है, ये हॉल होता है। ये जो हम लोगों ने देखा था ना, ये नाट्य मंडप वगैरह, ये अर्लियर टाइम्स में नहीं हुआ करते थे, ये बाद में डेवलप किए गए थे लेटर स्टेज पे। तो रेखा द्योल है, ये स्क्वायर प्लान है, है ना। पीड द्योल है, ये पिरामिडल है। खरखरा द्योल है, ये रेक्टेंगुलर प्लान होता है। चीज़ें जो डिज़ाइन वगैरह हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। सन टेम्पल है, तो सूर्य की पहली किरण इस रीजन में सबसे पहले इस मंदिर पर पड़ती हैं, ठीक है। कैरियोट के डिज़ाइन करते हैं, कैरियोट की बात करते हैं, तो यहाँ पर दिखा नहीं रखा क्लियर फोटो में, बट इसके ना जैसे रथ होता है ना, रथ चैरियट, तो रथ के पहिए होते हैं, तो इस मंदिर के भी 24 ऐसे पहिए बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज़ द टेंपल, ठीक है। तो 12 पहिए एक साइड में हैं, 12 पहिए एक साइड में है, एक रथ की तरह इसको बनाया गया है, सूर्य देवता का रथ की तरह। कोणार्क व्हील जो है, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्ड्स, एनिमल्स हैं, मेडालियंस वगैरह हैं, है ना। विमेन के भी बहुत सारे लग्जरियस पोजेस हैं, और 7 horses, 7 घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। तो भगवत गीता में भी गायत्री, उष्णिका, अनुत्सु, वृहति, पंगति, त्रिस्तुप, जगति वगैरह जो हैं, 7 जो घोड़े हैं उनके नाम इस तरीके से थे। वो रेनबो के 7 कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सहस्र,
ये जो सहस्र जो होता है ना, ये हमारा जो सेवन चक्रास होते हैं ना, उसमें जो सबसे टॉप चक्र होता है उसको बोलते हैं। इंद्रनीला, नीला, हरित, पित्त, कशुंभ, रक्त, तो ये रेनबो के कलर्स को भी डिग्निफाई करते हैं। रेनबो के कलर्स तो याद होगा ना, विबग्योर। वॉर हॉर्सेस हैं, सन गॉड के बारे में है ना, कार्विंग्स में दिनचर्या के बारे में बताया गया था। कोणार्क व्हील का जो है, तो सेवन जो हॉर्सेज हैं वो डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करते हैं। जो व्हील्स के 12 पेयर्स हैं वो 12 मंथ्स को बताते हैं। 12 24 वीक्स मतलब दिन के 24 घंटे। 8 मेजर स्पोक्स जो उसके अंदर, पहिए के अंदर जो हैं वो प्रहर, प्रहर मतलब होता है जैसे 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना, दोपहर, 3 पहर, ऐसे प्रातः प्रहर ऐसे। तो जो व्हील ऑफ लाइफ की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ये। 12 पेयर ऑफ व्हील को कभी कभी 12 ज़ोडियक साइन जो होते हैं उससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो व्हील ऑफ कोणार्क है इसको कहते हैं कि बुद्धिस्ट का जो धर्म चक्र था उसके जैसा ही है ये। सन डायल भी बना हुआ है वहाँ पर, तो सूर्य की रोशनी से ना वो स्पोक जो होती हैं उसकी परछाई के हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है। और ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक सिंबल भी है। सी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, ठीक है, ऐसे ही याद होती है सुन सुन करके, बार बार देखते रहते हो तो रटने का तो कोई एंड नहीं होता फिर। नाउ वी हैव 8.3, सेक्रेड एनसेंबल्स ऑफ होयसाला। तो ये रिसेंटली 42nd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ना, शांति निकेतन, तो शांति निकेतन को 41st यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो पहले हम लोग 42nd के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये चेन्नई के ईश्वरा टेम्पल है, ठीक है। अभी मंदिर देखोगे आप, ये बहुत सुंदर जगह है। इसमें किस तरीके से ये एक काइंड ऑफ चबूतरा सा बनाया जाता है, उसके ऊपर मंदिर को बनाया जाता है एंड ऑल दिस, हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। तो कर्नाटका के अंदर जो ये होयसाला टेम्पल्स है ना, ये अब उसकी 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। उससे पहले 3 थे, हम्पी में पट्टाडकल था, वेस्टर्न घाट वगैरह भी थे। तो इसमें चेन्नई केश्वरा टेम्पल है, होयसलेश्वरा है, केशवा टेम्पल भी हैं। फाइन, टेम्पल्स और उसके फीचर्स देखेंगे होयसाला में। ये देखो, ये होयसलेश्वरा टेम्पल है, ये बहुत सुंदर है, आप लोग कभी जाके देखना, आई हैव विजिटेड दिस वंस। देन केशवा टेम्पल है, आर्किटेक्चर स्टाइल किस किस तरीके का होता है, गोपुरम वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहले तो होयसला डायनेस्टी के बारे में ही जान लेते हैं। तो कर्नाटका का जो मालनाड रीजन है वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। एंड वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी को जीतने के बाद किंग नृपकामा जो थे उन्होंने एक अलायंस किया था उनके साथ। टाइम पीरियड 10th से 14th सेंचुरी। बेलूर और द्वार समुद्र जो था वो इनका कैपिटल था। एंड आज की डेट में तमिलनाडु से कर्नाटका तक का जो मेजर रीजन है उसका हिस्सा बने हुए हैं। विष्णुवर्धन राय जो थे, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस था। और वीर बल्लाल है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसको नाडू, कंपना, विषया, देश, अब ये आते हैं ना आपके एग्जाम में प्रिलिम्स में। तो प्रिलिम्स में जनरली जो चीज़ें पूछी गई हैं आज तक, कॉइन्स के टर्म्स पूछते हैं, फाइनेंस के अकाउंट्स के टर्म्स पूछते हैं, और लैंड के, ये सीक्वेंस होती है, फाइनेंस, कॉइन और लैंड, ये मेजरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर होता है कि उन चीज़ों के नाम पूछेंगे। तो वीर बल्लाल 3 जो थे उनकी एक युद्ध में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से इनका फॉल स्टार्ट हो गया था, डाउनफॉल। तो होयसला आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है ना वो हाइब्रिड, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसार, वेसार मतलब द्रविडियन, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का स्टाइल को मिक्स करके बनाया जाता है। एंड उन्होंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया का जो शिखर होता था ना, मंदिर का जो शिखर है यानी कि टॉप होता था, उसमें उसकी टाइप होती है एक भूमिजा, उस टाइप का भी इन्फ्लुएंस पाया जाता है यहाँ पर। एंड कर्नाटका का जो द्रविड ट्रेडिशन है, ठीक है, कल्याणी, चालुक्य, इन सब के भी इन्फ्लुएंस पाए जाते हैं। अब होता क्या है ना कि अगर आप देखोगे इसको, होयसलेश्वर वाला टेम्पल, जस्ट ट्राई टू लुक एट दिस थिंग, किस तरीके से बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा एक सिटाडेल होता है चबूतरा सा, उसके ऊपर फिर मंदिर बनाया जाता है, फिर उससे कनेक्ट किया जाता है, फिर उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स भी बनाए जाते हैं लाइक दिस थिंग। तो स्टेलेट प्लान, ठीक है, स्टार की तरह दिखता है ये, ऐसा सा कुछ बनाते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस। सोप स्टोन का इस्तेमाल करेंगे, उसको कार्व करना आसान होता है, काटना। गर्भगृह जो होता है बिल्कुल जहाँ पर मूर्ति आइडल को स्थापित करते हैं, मंडप बनाया जाता है ना, टेम्पल का एंट्रेंस को गोपुरम बोलते हैं। तो स्कल्पचर की बात करते हैं तो सलभान जी का, ये मैं प्रनाउंस कर ही नहीं पा रहा था, इट बिकेम लिटिल डिफिकल्ट, एक वुमन का है। विमान होता है, ठीक है, कुछ और भी फीचर्स होते हैं, कॉर्बेल डोम्स वगैरह। सी, यू नीड टू रिमेंबर दैम, यार ये बहुत एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है।
होयसलास के टेंपल की ये फीचर में ये वाले मैंने हाईलाइट किए हैं बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि इसको आप पढ़ोगे इसमें से कुछ भी आएगा। जब अंडरलाइन कर रहा था तब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई लीव दिस पार्ट अप टू यू, आपको लगे कि आपको प्रीलिम्स में इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी ठीक रहेगी तो आप कर लेना, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप। टॉपिक नंबर 8.4 शांति निकेतन। अब ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है इंडिया की। वैसे तो इस टॉपिक को ऊपर बताना चाहिए था ना, पहले 41st फिर 42nd, या फिर दोनों टॉपिक को मर्ज भी कर सकते थे। ये है शांति निकेतन ग्रह, ठीक है जी, और ये कल्चरल हेरिटेज साइट बन चुकी है। तो वेस्ट बंगाल में है ये, एंड वेस्ट बंगाल में अपना सुंदरबंस भी आता है, ठीक है। उसके बाद अपने जो दार्जिलिंग के जो माउंटेन रेलवेज है ना वो भी आती हैं, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ही हैं। तो दार्जिलिंग से एक चीज़ और आप लोगों को याद दिलाता हूँ, दार्जिलिंग टी जो है ना वो इंडिया की पहली चीज़ आइटम थी जिसको जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का जो मेजर एक्ट था 1999 का था, लेकिन इंडिया में जब उसको इम्प्लीमेंट किया था तो आई थिंक अराउंड 2001 में आया था वो। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद रख सकते हो। तो इसको शांति निकेतन को पूरे को बनाने में बेसिकली एक ह्यूमन वैल्यूज़ पे, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी है ना, उन सब चीज़ों पे बनता है ये। तो ये है क्या, अब ये ना थोड़ा गलत टाइप हो गया है, एडोब नहीं है, ये अबोर्ड होता है, इट्स एन अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन। तो वेस्ट बंगाल का बिरभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। तो कुछ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कुछ अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स हैं, गार्डन्स हैं, आर्टवर्क्स हैं, है ना, पवेलियंस हैं। तो इंटरनेशनलिज्म का एक सिंबल बन जाता है ये, और फोक ट्रेडिशन जो थे भारत के, फिर जापान, चाइना, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो गेसत, अब ये बड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन आ गया, कुछ कुछ शब्द बड़े टिपिकल से आते हैं तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा। द इंडियन एग्जाम्पल ऑफ टोटल वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ के बारे में, लर्निंग, वर्क, आर्ट, लोकल, ग्लोबल, सब चीज़ें बनाकर मिला करके बनाया गया है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, और उन्होंने इस ज़मीन पे इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने एक लैंड वगैरह परचेज किया था, उसको नाम दिया था शांति निकेतन 1863 में। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक आर्थर गेट्सन, सब ने भी इसको बाद में अच्छे से शेप किया था। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी का पीरियड था शांति निकेतन में, तो उनकी जर्नी शुरुआत हुई थी, उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम शुरुआत किया था यहाँ पर 901 में, वैदिक ट्रेडिशंस पर उन्होंने आश्रम स्टैब्लिश किया था इसके एनवायरनमेंट की वजह से। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो थी, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था, विश्व, विश्व मतलब वर्ल्ड होता है, 1921 में। वहाँ विद्या भवन, शिक्षा भवन, श्री निकेतन भी था, ये सब चीज़ें थी। अब क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली थी। जापनीज़ वुड वर्क है ना, एक सर्कुलर विंडो है यहाँ पर चाइनीज़ कल्चर से, फिर नियो गॉथिक से, बंगलों का स्टाइल जो था वो नियो गॉथिक था, अजंता और सांची, ठीक है, ये पट भवन है, और चैटिंग ताल है, ये सब बुद्धिस्ट कल्चर से लिए थे। सल्टनेट से और मुगल पीरियड से हम लोगों ने इसके आक्स लिए थे, फसाद लिया था, जालियाँ जो थी वो वहाँ से थी, बंगाल से चेटी। तो आप समझ रहे हो, एक ऐसे जगह बना दी गई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर से चीज़ें लेकर के बनाई गई थी। तो इट्स अ विजिटिंग प्लेस, आप जा सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग गुरुदेव भी बोलते थे, और इनको टाइटल दिया था हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 1861 में, ठीक है। घर पर इनकी पढ़ाई हुई थी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। राइटर थे, सॉन्ग कंपोज़र थे, प्ले राइट थे, एसेज थे। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको लिटरेचर में 1930 में, और यहाँ पर नाम तो नहीं दिया हुआ पर गीतांजलि के लिए मिला था। तो गीतांजलि आ जाइए ना, नोटेबल वर्क्स गीतांजलि इन्होंने लिखी थी, तो उस पर काबुली वाला बचपन में सब लोगों ने पढ़ी होगी कहानी। तो उनको एजुकेशन में ना उनका एक, उन्होंने स्पिरिचुअल, सोशल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत सारी बातों प्रमोट की थी। एंड कुछ व्यूज़ थे उनके महात्मा गांधी जी के, जिसे महात्मा गांधी जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो कहते थे कि मिक्स कर दो दोनों को, वेस्टर्न को भी और इंडियन को भी, थोड़ा मिक्स करके पढ़ाओ। नेशनलिज्म पर गांधी जी मानते थे सेल्फ रूल के बारे में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि बहुत इंडिविजुअल को सेल्फ लेवल पे, बेसिकली ही सेड कि नेशनलिज्म एक इंडिविजुअल सेल्फिशनेस होता है। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं बस, और कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी में गांधी जी मशीन को, टेक्नोलॉजी को वर्शिप करते थे, एंड रविंद्रनाथ जी ने एम्फसाइज किया था कि साइंस को वो लाइफ के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं ना, इसमें पहले आप देखोगे तो मेंस में क्वेश्चन आया था अंबेडकर जी का और गांधी जी के ऊपर।
अब अंबेडकर जी का तो खैर उसमें एक कॉन्सेप्ट था क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इन्होंने ये लिटरेचर साइड में थे बट इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मेजर रहे हैं। वी डोंट नो इफ़ UPSC विल एवर आस्क ए क्वेश्चन ऑन व्यूज ऑफ टैगोर जी एंड गांधी जी, बट यहाँ पर दिया हुआ है तो हैव सम आइडिया एजुकेशन नेशनलिज्म टेक्नोलॉजी में। मैंने एक चीज़ गलती से बोल दी, गांधी जी अपोज्ड द वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी उसके बारे में बात करते थे। अभी हो गया ना, लास्ट पार्ट आ गया ना वीडियो का रिकॉर्ड करते करते, तो लेवल ऑफ अटेंशन और अवेयरनेस मेरा भी डेड सा होने लग जाता है बोलते बोलते। दो दिन में एक वीडियो, मतलब कितना, आई थिंक 5 घंटे हो गए रिकॉर्डिंग के, 5 घंटे हो गए, काम तो 10 घंटे से ऊपर का हो गया है। कुछ लोग पूछते हैं पर्सनली मैसेज कर करके रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो देखो होता है कि अगर 2 घंटे की वीडियो है ना, तो 2 घंटा अगर आपको वीडियो दिख रही है सामने 2 घंटे की, तो उस पर पीछे काम जो होता है वो कुछ 5 से 6 घंटे का तो होता ही है मिनिमम, हाईलाइट करना, चेक करना, रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होता कि लगातार रिकॉर्ड होता है, 15-20 मिनट हुआ, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर कुछ काम ऐसे। तो चलो ठीक है, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। ओके, न्यूज़ इन शॉर्ट कवर करते हैं, बिल्कुल लास्ट सेक्शन है, फिर इसके बाद हमारी सितंबर की वीडियो ख़त्म। एक प्रोग्राम था अडॉप्ट हेरिटेज, उसका सेकंड वर्जन आया था, उसको रिवैम्प किया गया था। तो हमारा एक एक्ट है अमासर एक्ट, जिसमें हम लोग बात करते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट के रिमेन्स की। तो हम इन जगहों को ना रिवैम्प करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को इनके बारे में जागरूकता नहीं है, ठीक है, और कुछ अडॉप्टेड साइट्स भी होती हैं। तो सेकंड वाले में हम लोग स्मारक सारथी बनाएंगे, ठीक है, फंडिंग में प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे, और यू कैन अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट, पूरा मॉन्यूमेंट अडॉप्ट कर सकते हो या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो। तो उस जगह पर आपको हाइजीन एक्सेसिबिलिटी वगैरह पे काम करना पड़ेगा, 5 साल के लिए आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2017 में, पहली बार आया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बहुत पुराना है ये, 1861 में बनाया गया था, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फंक्शनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वर्किंग पे हमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि इनकी जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है ना, उसमें बहुत सारे जो माइनर मॉन्यूमेंट्स है ना, उनकी कोई नेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। और वो एक प्रोविजन था कि 100 मीटर का एक प्रोहिबिटेड एरिया होगा और 300 मीटर का एक रेगुलेटेड एरिया होगा जो भी ऐसी साइट होगी जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इस बात को लेकर, वहाँ के आसपास के लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाती हैं। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को रैशनलाइज किया जाए, इसके 2 विंग बना दिए जाए, और एक होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, एक होगा इंडिया हेरिटेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उन्होंने कहा था कि नई टेक्नोलॉजीज़ का आप लोग इस्तेमाल करें। मेरी माटी मेरा देश एक कैंपेन है, तो इसमें भारत के 75 साल जो हो चुके हैं उसमें जो हमारे जो वीर थे जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी, शहादत दी थी, तो उनको हम लोग नमन करेंगे और उनको याद करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रेज़ करेंगे। पार्लियामेंट के अभी जो नया पार्लियामेंट है उसके जो नए गेट वगैरह है ना, उनको एज अ गार्जियन जो है उनके बारे में बात की गई है। तो नॉर्थ साइड में गज द्वार है, उस पर ऐसे गज यानी कि एलिफेंट की एक स्टैचू लगाई गई है। गरुड़ द्वार बनाया गया ईस्टर्न वाला, तो गरुड़ जी की एक ऐसी स्टैचू है। एंड अश्व द्वार सदन गेट पे है, तो ये तो इंटरनल थे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके एंट्री के, जो MPs वगैरह होते हैं। पब्लिक के एंट्री के लिए है शरदुल द्वार। तो शरदुल क्या होता है, ये जो एक एनिमल होता है ना, ये मिक्स होता है, इसमें एलिफेंट की बॉडी होती, शरीर लायन शेर का शरीर होता है, एलिफेंट की बॉडी होती है, कान किसी और के होते हैं ऐसे। एक हंस द्वार है नॉर्थ ईस्ट में, और एक मकर द्वार है। तो और ये ना बेसिकली एक बीस्ट ही था, एक माइथोलॉजिकल बीस्ट ही था पहले का ये। 64 योगिनी टेम्पल एग्ज़ाम में आया था लास्ट ईयर 2022 के प्रीलिम्स में, तो ये है 64 योगिनी टेम्पल जो है। कहते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट था पहले वाला ओल्ड पार्लियामेंट, वो इससे इंस्पायर्ड था। तो ओल्ड पार्लियामेंट को एडविड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, एंड इसमें 64 पिलर्स बने हुए हैं। माना जाता था कि उस टाइम के 64 वॉरियर्स थे ये, एंड जो कच्छ पगत डायनेस्टी थे ना उसके किंग थे, उनके द्वारा 1323 में इसको बनाया गया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 108 फुट की आदि शंकराचार्य जी की एक मूर्ति, जो ओमकारेश्वर है ना, तो ओमकारेश्वर जो है ये 1 of the 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, वहाँ पर इसको अनवील किया था। तो बेसिकली जिस दिन ये अनवील हुई थी, मैं उसके एक दिन पहले था ओमकारेश्वर में, वहीं पर उसी जगह पे। तो आई सॉ दिस स्टैचू, ये बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाई उन्होंने, बहुत ही बड़ी है। और भी स्टैचूज हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी है अपनी इंडिया में है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अपने हैदराबाद में ही है, पीस वाली जो है
वो भी अपने जैन मंक की है। ये रामानुजम वाली पर क्वेश्चन आया था 2022 के प्रीलिम्स में। प्रॉस्पेरिटी वाली है, बेंगलुरु में है। जस्ट रिमेंबर देम, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है अभी तक की। कितना है इसका? आई थिंक 192 मीटर्स है इसका हाइट, जो वल्लभ भाई पटेल जी की है ना, नर्मदा वहाँ पे गुजरात में। कह रहे हैं कि मुझे पक्का नहीं पता है, आई डोंट नो, मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा भी था पहले, बट मुझे कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन खास मिली नहीं। कह रहे हैं कि इंडिया में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट भगवान राम की स्टैचू बनाई जा रही है, तो 250 मीटर की होगी वो, यूपी में बनाई जा रही है, अगले साल अनवील हो जाएगी। तो लेट्स सी, बन जाती तो बहुत अच्छी बात है, भारत के अंदर सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू हो तो मज़ा आएगा। टंकई मेथड, ये ना एक तरीका होता है जिसमें ना पुराने ज़माने में शिप जो जहाज होते ना बोट वो बनाए जाते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंडियन नेवी के साथ कहा, मिलके कहा कि ये जो एंशियंट स्टिच्ड लकड़ियों की होती थी इसको स्टिच करके बनाते थे, वो हम लोग बनाएंगे। तो लकड़ियों के जो पट्टे होते हैं ना, प्लैंक्स वगैरह, उनको रस्सी से है ना, धागों वगैरह से, कोकोनट फाइबर से बांध करके बनाया जाता था। तो 21 मीटर का एक स्टिच शिप जो होगा इसको बनाएंगे एंशियंट टेक्निक से। एंशियंट रूट्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा था इंडियन नेवी के साथ मिलकर के कि हम लोग एंशियंट स्टिच शिप को रिनोवेट करेंगे। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस में नहीं आएगा ये, वेस्ट कोस्ट के ना कुछ पोर्ट हैं, बरगया, सुप्परा, कलिनिया, सिमैला, ठीक है, मंडागोर, ये सब नाम है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, इनमें से कोई नाम आ जाएगा, हो सकता है वो पूछ लेगा ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में, ये पुराने थे, ये एंशियंट ट्रेड रूट्स हैं बस, और इसमें कोई चीज़ नहीं है पढ़ने की। कोक बोरोक लैंग्वेज है, ये त्रिपुरा के जो बोरोक लोग हैं वो लोग इस भाषा को बोलते हैं, इतना ही याद रखना है बस, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। संगीत नाटक अकेडमी के अमृत अवार्ड्स हैं, 84 आर्टिस्ट को दिए गए थे ये। तो संगीत नाटक अकेडमी इंपॉर्टेंट है, 1953 में बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, हमारे इंडिया का जो इनटेंजिबल भी होता है ना, इनटेंजिबल मतलब इसे छू नहीं सकते, जैसे आप नाटक हो गए, नाटक आप परफॉर्म करते बट यू कैन नॉट टच दैट ना, इज जस्ट अ परफॉर्मिंग आर्ट उस तरीके से। तो इसकी फेलोशिप भी निकलती है, और आप में से किसी ने शायद पढ़ाई की हो यहाँ पर, इट्स वंडरफुल प्लेस। न्यू नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो विज्ञान में साइंटिस्ट वगैरह को दिया जाता है साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ना जितनी आती है एग्जाम में, मैं वही आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रीय विज्ञान की पुरस्कार की कमेटी होती है, हमारे जो इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो इसको लीड करते हैं, फिर हर साइंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं ये सब। तुम्हारा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 11 मई को, और जो हमारा अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था ना 23 अगस्त, जो चंद्रयान की लैंडिंग थी उसको 23 को हम लोगों ने नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया था, तो उस दिन इसकी अवार्ड सेरेमनी होगी। रेमन मैगसे अवार्ड, असम के एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं रवि कनन, उनको ये अवार्ड मिला है, एंड 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, उनके नाम पर ये दिया जाता है, खास करके जो सोशल कंट्रीब्यूशन करते हैं जो लोग उनको। ठीक है भाई, हमारा सारा कंटेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो सितंबर की वीडियो मैंने टाइमली अपलोड कर दी है, पिछले महीने की तरह डिले नहीं किया। तो मेरी आपसे यहाँ पर एक दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोस में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, उन्हें कमेंट कर दिया करो, और जिस व्यक्ति ने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कंप्लीट पोस्ट कर देना, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा एक रिवॉर्ड रहेगा, दैट विल बी इनफ। मैं बस दो ही चीज़ों के कमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, वहाँ पोस्ट कर दो, है ना, मैं उस चीज़ में विश्वास भी नहीं रखता और मुझे ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, बट दिस इज़ समथिंग विच कीप्स मी एंड कीप्स यू ऑल्सो ऑन द ट्रैक। द मोमेंट यू टाइप इट ना कम्प्लीट, आपको भी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है कि यार मैंने 4 पार्ट कम्प्लीट किए, बहुत सारा डेटा आपके कानों से गुजर गया, आपके ब्रेन से गुजरा है, बहुत कुछ इसमें रजिस्टर हुआ है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स का पता चल जाता है कि ये इतना ही पढ़ना है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए। होपफुली मैं और भी बहुत कुछ लेके आऊँगा फ्यूचर में आप लोगों के लिए। अब आई एम थिंकिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स, नवंबर में 2-3 चीज़ों पर काम करने का सोच रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।